जय देवान, क्या हाल चाल है भैया? सब बढ़िया। तो फाइनली हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले हमने सिक्योरिटी इश्यूज को देखा था। ओके, सो वेलकम एवरीवन टू द क्लास। आज से हमारे करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंड करंट अफेयर्स के अंदर वी वुड बी कवरिंग लास्ट 6 months करंट अफेयर्स। लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, दैट मीन्स फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। दिसंबर में तो कोर्स चल ही रहा है, तो अगर दिसंबर के करंट अफेयर्स आते आते आपका जनवरी हो जाएगा, तो वील टेक सम क्लासेस फॉर दिसंबर टू कम्प्लीट द करंट अफेयर्स। वो तो अब जब जितनी अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ज्यादा कर लेंगे, उसमें क्या है। दूसरी चीज कि जैसे कि हमने जुलाई के करंट अफेयर्स खत्म करे, उसके बाद ही हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। ये नहीं कि मैंने सिर्फ आपको आधे करंट अफेयर पढ़ा है उसकी टेस्टिंग करूं। जब कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट और एमसीक्यू टेस्ट, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। सो दैट आई एम वेरी गुड रोहन, वेरी गुड। सो दैट कि अगर आपने काफी सारे करंट अफेयर करें तब उसकी टेस्टिंग कराने का फायदा है। 5 करंट अफेयर के बाद में उसकी टेस्टिंग कराओ, उसका कुछ खास फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपके ब्रेन को क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है। ओके, सो मूविंग ऑन विद द फर्स्ट करंट अफेयर, वी आर करंटली इन जुलाई 2023 करंट अफेयर्स। और जैसा कि हमने पिछली बार के आईबी के पेपर में देखा था, आईबी के एग्जाम के अंदर रीसेंट करंट अफेयर बहुत पूछ लिया गया था। जैसे एग्जाम अगर फरवरी में था तो उन्होंने दिसंबर जनवरी का ही करंट अफेयर पूछ लिया था, तो वो जब नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो आज की जुलाई की पहली, मतलब जुलाई के इंपॉर्टेंट न्यूज में से अब ऐसा हो सकता है कि हम मैक्सिमम इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे। कुछ न्यूज हो सकती हैं जो छूट जाएंगी, वो आप अपने हिसाब से भी कवर कर सकते हैं। ओके, वी विल ट्राई टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज रेलिवेंट फॉर द एग्जाम। सो इंडिया फर्स्ट AI न्यूज एंकर इंट्रोड्यूस्ड बाय OTV इन ओडिशा। सो ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड, एक बार हम इसको पढ़ लेंगे और उसको समझ लेंगे। ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड, एन ओडिया बेस्ड ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल मीडिया कंपनी इन ओडिशा, इंट्रोड्यूस्ड इंडिया एंड ओडिशाज फर्स्ट रीजनल मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर एम्ड लीजा इन अ सेरेमनी हेल्ड एट भुवनेश्वर ओडिशा। तो यहाँ पर AI न्यूज एंकर आ गया है, ठीक है। AI न्यूज एंकर, ऐसे आपने नॉर्मल न्यूज एंकर देखे थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला न्यूज एंकर आ गया है। अगर ऐसे एंकर आने लग गए तो भैया बहुत सारे एंकर्स की जॉब ही चली जाएगी फ्यूचर के अंदर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ AI लीजा इज एन इनिशिएटिव ड्रिवन बाय द विजनरी टीम ऑफ OTV। OTV का फुल फॉर्म क्या है? ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड। तो ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, वो लेकर आई है AI लीजा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीजा। लीजा इज द फर्स्ट AI एंकर इन द फ्री टू एयर रीजनल टेलीविजन, और रीजनल लैंग्वेज के अंदर है। रीजनल मतलब ऐसे उड़िया भाषा हो गई, भोजपुरी भाषा हो गई, आपकी जो हमारी रीजनल जैसे तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गई, तमिल हो गई, वैसे रीजनल भाषा में लेकर आ गया। ये उड़िया में है, ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो द फर्स्ट उड़िया न्यूज एंकर विद एन एबिलिटी टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग उड़िया लैंग्वेज एंड अदर्स। तो ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी बोल सकती है, इंग्लिश में भी बोल सकती है, और बाकी भाषाओं में भी बोल सकती है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ये एंकरिंग कर सकती है। तो फ्यूचर के अंदर आपके ऐसे एंकर्स भी आएंगे जो AI पे चलेंगे। ओके सर, इन माई शिफ्ट मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स वर आस्क्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑगस्ट। हाँ, तो ऑगस्ट तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। ओके, सो ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड एंड ओडिया बेस्ड ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल मीडिया कंपनी इन ओडिशा इंट्रोड्यूस्ड इंडिया एंड ओडिशा मल्टी। बेसिकली करंट अफेयर्स तुम्हारे ये 6 to 7 months के ही होते हैं जिस पर फोकस होता है, बट आईबी के एग्जाम के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा धक्का लगा था लोगों को, जैसे कि पेपर फरवरी में था और उन्होंने दिसंबर जैन के करंट अफेयर पूछ लिए थे, ये कोई एक्सपेक्ट करके नहीं गया था। तो मान लीजिए दिसंबर में नोटिफिकेशन आती है और सिमिलरली या जनवरी में आती है, जब भी आती है, और फॉर एग्जाम्पल फरवरी में पेपर है तो हम जनवरी का भी करंट अफेयर कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये मत सोचना कि फॉर एग्जाम्पल दिसंबर आगे आ जाती है, मान लिया जाए थोड़े दाम तो मतलब 15-20 दिन आगे खिसक जाएगी, तो हम 15-20 दिन जितनी भी आगे खिसकेगी वो करंट अफेयर भी कर लेंगे। सो आप करंट अफेयर से लेकर निश्चिंत रहिए, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर निश्चिंत रहिए। करंट अफेयर सिंस मैं पढ़ा रहा हूं, तो चाहे वो दिसंबर का है, फरवरी का है, पेपर के अंदर जनवरी का आ रहा है, फरवरी का आ रहा है, हम वो भी खत्म कर लेंगे। बट ऑब्वियसली जनवरी के करंट अफेयर में आपको दिसंबर में नहीं करा सकता, क्योंकि वो महीने आए ही नहीं, आई थिंक इतनी तो आपको पता ही है। ओके, हाँ हाँ, AI का एंकर ही मतलब वर्चुअल फॉर्म के अंदर है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली दीज आर इन वर्चुअल फॉर्म। ओके, ये बिल्कुल वर्चुअल फॉर्म के अंदर ही ये है एंकर्स, वही तो बात है। इनको इनको सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी, अच्छी बात ये है, इनको आपको सैलरी भी नहीं देनी। ओके, सो ओडिया बेस्ड डिजिटल मीडिया कंपनी ओडिशा इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट रीजनल मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर। इनको तनख्वाह भी नहीं देनी। ओके, अब वो ऑब्वियसली ह्यूमन टच नहीं रहेगा इसके अंदर। उसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, नबार्ड्स 42nd फाउंडेशन डे 2023 12th जुलाई। अब इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि नबार्ड का फाउंडेशन डे 12 जुलाई है,
और नबार्ड का आपसे पूछा भी गया है पुराने पेपर्स के अंदर कि नबार्ड कब फॉर्म हुआ, तो ये फॉर्मेशन ऑफ नबार्ड इज ऑन फॉर्मेशन 12th July 1982 के अंदर नबार्ड को लेकर आया गया था। नबार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो अमित शाह द यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ इवेंट हेल्ड एट प्रगति मैदान। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। ये डिफेंस के एग्जाम्स में, SSC में, बहुत जगहों पर पूछा गया है कि नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। सिंपल सवाल, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। जॉब छोड़ने का दर्द भी नहीं होगा सर जॉब मिलेगी ही नहीं इसके अंदर तो ठीक है। चलो नबार्ड का फुल फॉर्म बताओ, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तब तक हम न्यूज करते हैं। तो डे वॉज मार्क्ड बाय सीरीज ऑफ इवेंट्स। चीफ गेस्ट इसमें आपके अमित शाह सर आए थे जो करंटली होम मिनिस्टर हैं। और नबार्ड ने क्या करा है भैया, इसके अंदर क्या करा है, प्लेड अ डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया बाय एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आया है ये एग्रीकल्चर के अंदर, और फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, सबका साथ सबका विकास, मतलब की जैसे की जनधन योजना है, जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन को एम करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि अगर एक अमीर बंदे का बैंक में अकाउंट हो तो एक गरीब बंदे का भी हो, और दूसरी चीज ये भी हो कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट सबकी हो, फाइनेंशियल सर्कल में सब आए, जो गरीब स्थिति से आता है उसका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, और अगर उसको पैसा जा रहा है तो वो DBT हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके अकाउंट में जाए। ये नहीं कि उसको नगद पैसे जब चलते तो बीच में पैसे उड़ जाते थे, बट अगर किसी के बैंक के अकाउंट में जा रहे हैं तो फिर उसके अंदर हेरा फेरी कम होगी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जितने भी भारत में लोग हैं सबके बैंक अकाउंट खुले, उनके इंश्योरेंस बने, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, कोई भी, जिससे उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होने लगे और वो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजिंग इंडस्ट्री में आ सके। तो नबार्ड इंडिया का एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। किसी ने लिखा, हाँ लिखा, पार्ट ऑफ सप्तऋषि प्रायोरिटीज ऑफ रीसेंट बजट, यस। तो नबार्ड इज इन इंडिया एपिक्स डेवलपमेंट बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। नबार्ड हैज ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया और 12 जुलाई 1982 की इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद अगली न्यूज है, केरला गेट्स इंडिया फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब इन कोची। अब केरला के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर काफी कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, ओनली प्रॉब्लम इज दैट केरला में इंडस्ट्रीज नहीं आ पाती, या इंडस्ट्रीज है नहीं इतनी। उसका मेजर रीजन इज बिकॉज ऑफ दी जिस तरीके की सरकारें वहां पर रही हैं, और स्ट्राइक्स वगैरह वहां पर बहुत ज्यादा होती है, जिससे कोई भी कंपनी वहां पर जाना नहीं चाहेगी। जब इतनी ज्यादा स्ट्राइक्स होती है तो इस माहौल के अंदर टू सर्वाइव इन दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट इज वेरी टफ, बिकॉज यू आपके प्रॉफिट्स रुक जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, इट बिकम्स वेरी टफ। सो केरला गॉट इंडियाज फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब दैट विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अराउंड सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल बिल्डिंग फैसिलिटीज बाय इनकरेजिंग कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग अमंग द इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स। तो ये कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब है। Construction Innovation Hub was launched at the Shelter Tech Summit, a summit to advance housing and construction innovation, which was organized by the Habitat for Humanity and Kerala Startup Mission, KUSUM in Chennai, Tamil Nadu. और इस वाले मिशन को जो है आपका, जो CIH के बेसिक चीजों को देखेगा वो आपका कुसुम ही है। इस कुसुम को लिख लो, कुसुम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि सरकार की तरफ से कुसुम का फुल फॉर्म है केरला स्टार्टअप मिशन, कुसुम केरला स्टार्टअप मिशन। और केरला को मिला है भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब। ये किस पर फोकस करेगा, बेटर कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, बेटर हाउसेस होनी चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ओके, टू प्रमोट इनोवेशन होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबल अफोर्डेबल बिल्डिंग फैसिलिटी। सस्टेनेबल का मतलब है कि वो आज भी रहे, कल भी रहे, और उसके बाद करी गई है अफोर्डेबल बिल्डिंग की, आगे सब लोग उसमें खरीद सके। ये नहीं कोई 5 करोड़ 10 करोड़ के फ्लैट बना दिए, 4 करोड़ के, वो कोई अफोर्डेबल थोड़ी है, वो तो जिसके पास बहुत पैसा है वो खर्च कर। तो ये बोल रहे हैं अच्छे घरों को किफायती कीमत पे ऊपर दिया जाए, ठीक है, रीजनेबल कॉस्ट पर उनको दिया जाए। ओके, रेड टैपिज्म इज हाई इन केरला, रेड टैपिज्म इज हाई इन केरला, हरी कृष्ण। सो हरी कृष्ण एंड आनंद, व्हाट इज द प्रॉब्लम आई वांट टू आस्क, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर प्लस, आई वाज बोर्न इन कोची, आई सी दैट द टैलेंट दे आर पीपल, द पीपल इन एकेडमिक्स आर वेरी गुड, वेरी हाई लिटरेसी रेट, बट व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रीज, लॉट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर नॉट एबल टू कम, बिकॉज जनरली इट इज सेड बिकॉज ऑफ द लेफ्ट सेंट्रिक गवर्नमेंट एंड द यूनियन इज टू स्ट्रांग, प्रोबेबली द वर्कर्स आर strikes are very high. Is this the reason for it, or there are some reasons? So this question is to Hari Krishna and Ananda.
ओके हरि कृष्णा हैज रिटन सर द मैटर यू सेड इज वेरी करेक्ट नियर माय होम देयर इज अ कंपनी कॉल्ड सिंथाइट व्हिच प्रोवाइड जॉब टू अ लॉट ऑफ लोकल्स बट स्ट्राइक बाय यूनियन इज अ प्रॉब्लम एंड दे आर नाउ लुकिंग टू इन्वेस्ट इन तमिलनाडु ऑल्सो द किटिक्स कंपनी दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन तमिलनाडु येस हरि कृष्णा इज एब्सोल्युटली करेक्ट व्हाट हैपेंस इज दैट दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन केरला इवन द मलयालीज दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन केरला बट इवेंचुअली दे मूव आउट बिकॉज इतनी ज्यादा स्ट्राइक्स और यूनियन बाजी होती है दैट दे गो टू अदर स्टेट आप जरा सोचो ना आपको 100 करोड़ रुपए लगाना है 50 करोड़ और महीने साल के अंदर 2 महीने काम नहीं हो रहा 3 महीने काम नहीं हो रहा स्ट्राइक की वजह से तो कौन पैसा लगाएगा सब चले ही जाएंगे दूसरे स्टेट के अंदर सो हरिशंकर एग्जैक्टली हरिकृष्ण ऑल्सो फ्रॉम कोच्ची सो यू रोहित हरिकृष्ण डू यू एग्री वट आई एम सेइंग और देर आर अदर रीजन फॉर इट प्लीज शेयर इट इन कमेंट्स और जो बाकी सारे स्टेट्स के बच्चे देखो आपको भी पता लगेगा वन ऑफ द स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट उनके स्टेट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है तो वी कैन ऑलवेज लर्न गुड एंड बैड फ्रॉम अदर्स ओके सो मूविंग ऑन फ्रॉम दिस न्यूज दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब इन कोच्ची ओके एनीवेज केरला का कैपिटल क्या है व्हाट इज केरलास कैपिटल प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज केरलास कैपिटल ओके सो मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज राजस्थान इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट गिग वर्कर्स बिल 2023 अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि गिग वर्कर किसको बोलते हैं हु इज अ गिग वर्कर इंडिया का पहला गिग वर्कर बिल आया है गिग वर्कर किसको बोलते हैं बताओ मुझे गिग वर्कर हु इज अ गिग वर्कर किसको बोलते हैं हु इज अ गिग वर्कर बताओ कौन होता है गिग वर्कर बताओ त्रिवेंद्रम त्रिवंतपुरम करेक्ट 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 इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दे वांट टू गिव ब्राइब टू द लोएस्ट कैडर आई थॉट केरला ब्राइब्स आर लेस दिस इज दिस आई डिड न्यू आई थॉट द ब्राइब्स इन केरला मस्ट बी लेस बिकॉज द लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन इज हाई बट अगेन इन्फॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स आप लोगों को तो ज्यादा ही पता होगा आप वहां पर के हो तो होपफुली इट रिड्यूसेस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय सर फ्रीलांसर आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉय हाँ सोनी और सोनी क्या हालचाल है हाउ आर यू सोनी तो गिग वर्कर का एक एग्जांपल हो गया जैसे कि जोमैटो डिलीवरी बॉयज होते हैं जोमैटो के डिलीवरी बॉयज होते हैं ना उनको गिग वर्कर को बोलते हैं तो पहले हम ये समझते हैं कि गिग वर्कर क्या है फिर आके इस न्यूज को बढ़ेंगे तो एन इंडिविजुअल इम्प्लॉयड ट्रांजेक्शनली ऑन अ टाइमर और टास्क बेस मैनर हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज देयर आवर्स ऑफ वर्क ठीक है तो इसमें कौन कौन से आ गए आपके जैसे कि यहाँ पर हो गए क्लीनिंग माइक्रो टास्क डिलीवरीज राइड शेयरिंग अब जैसे कि अगर आप उस पर देखो जो अर्बन क्लैब पे काम कर रहे हैं आप घर पे उनको बुला रहे हो जोमैटो के ड्राइवर्स हो गए स्विगी के ड्राइवर्स हो गए जेप्टो के ड्राइवर्स हो गए ब्लिंकिट के ड्राइवर्स हो गए वो सारे के सारे उनको हम बोलते हैं गिग वर्कर सो 15 मिलियन फ्रीलांस वर्कर्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर 90 मिलियन जॉब्स कुड पोटेंशियली बी एडेड बाय द गिग इकोनॉमी इन द नियर फ्यूचर तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है अब इसके अंदर इंडिया के अगर गिग वर्कर की बात करें तो ये जोमैटो स्विगी वाले हुए छोटे वर्कर अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे वाले हैं बड़े वर्कर्स भी हैं जैसे कि हाई स्किल फ्रीलांसिंग आईटी डिजाइन मैनेजमेंट जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज देते हैं किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं वो भी आपका गिग वर्कर हो गया पर्सनल सर्विसेज केयर वेलनेस टीचिंग ये भी गिग वर्किंग के अंदर आ गए जैसे कि आपके ट्यूशन हो गए ओके तो की प्लेयर्स इन इंडियाज गिग इकॉनमी जहां पर सबसे ज्यादा है वो हो गई आपकी उबर एंड ओला जोमैटो डिलीवरी डंजो जैसे कि बैंगलोर के अंदर डंजो है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है डंजो है और गाजियाबाद दिल्ली के अंदर एक सिमिलर है जिसको हम बोलते हैं पोर्टर ठीक है पोर्टर हो गया आपका दिल्ली में और वहां पर नीचे डंजो बैंगलोर में अर्बन हाउसिंग एट होम फ्लेक्सिंग गिल्ट एंड अपवर्क परसेंटेज ऑफ कंपनीज बाकी सारा परसेंटेज दिया हुआ है इसके अंदर अगर हम देखें गिग वर्कफोर्स और इंडिया की नीति आयोग की रिपोर्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो नीति आयोग इन इट्स रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी सेड दैट द गिग वर्कफोर्स इन इंडिया इज एक्सपैंडिंग एज ऑफ 2019-20 हियर्स व्हाट्स द फॉलोइंग ये तो 19-20 का डेटा है रिटेल एंड ट्रेड सेल्स में 26.6 लाख लोग हैं ट्रांसपोर्टेशन में 13 लाख फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में 6.3 लाख मैन्युफैक्चरिंग में 6.2 और एजुकेशन के अंदर 1 लाख जो गिग वर्कर के अंदर है और नीति आयोग रिपोर्ट स्टेटेड 47% आर इन मीडियम स्किल्ड जॉब 37% लो स्किल्ड और 22% इन हाई स्किल्ड तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है बट बेसिकली पता होना चाहिए कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी वो थी इंडिया इज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और आपको इसके बारे में बेसिकली पता होना चाहिए गिग वर्कर कौन होता है गिग वर्कर कौन होता है ये अब सबको क्लियर हो गया है GIG गिग वर्कर कभी भी लिखकर आएगा सबको समझ में आएगा व्हाट इज अ गिग वर्कर प्लीज एक्नॉलेज इट बिल्कुल सही वेबसाइट डेवलपमेंट डेटा एनालिसिस बग हंटिंग आर आल्सो डन ऑन
फ्रीलांसिंग. यस दिव्यांशी, दिव्यांश ओके. आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज, करेक्ट करेक्ट. ठीक है, अब हम न्यूज को देखते हैं. तो न्यूज है, राजस्थान गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट एवर गिग वर्कर्स बिल द राजस्थान. ठीक है, द राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023 टू गारंटी सोशल सिक्योरिटी टू गिग वर्कर्स. एग्रीगेटर्स, एग्रीगेटर्स किसको बोलते हैं, मैं सब ये पहले शब्द समझ लो. जैसे कि फेसबुक, सॉरी जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया और उसके बाद अमेजोन हो गया, ये एग्रीगेटर्स है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर अपना सामान रखते हैं और बेचते हैं. सिमिलरली जोमैटो हो गया आपका, सो एग्रीगेटर विच इंक्लूड फूड डिलीवरी एप्स एंड ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म. तो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, जोमैटो पे खाने वाले आ जाते हैं. जहां पर एग्रीगेटर मतलब जहां पे लोग एग्रीगेट करते रहते हैं, एग्रीगेट मतलब एडिशन हो रहा है कि लोगों को जोड़ रहे अपने साथ. तो मान लिया जाए कल को मैं फॉर एग्जाम्पल कल को एक एग्रीगेटर आ जाए एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, तो सारे टीचर्स को जोड़ के लाए और बोले आप पढ़ाओ. ठीक है, और उसके बीच में वो अपनी फीस ले लेगा. ओके, सो दैट वुड बी एन एग्रीगेटर इन एजुकेशन. ओके, सो इन दैट सेंस एग्रीगेटर विच इंक्लूड फूड डिलीवरी एप्स एंड ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स मस्ट प्रोवाइड राजस्थान गवर्नमेंट विद डेटाबेस ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स ऑन बोर्डेड और रजिस्टर्ड विद टीम विद इन 60 डेज ऑफ द एक्ट इम्प्लीमेंटेशन. तो राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023 पास हो गया है और इसके अंदर फंड ऑफ 200 करोड़ फॉर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी गिग वर्कर्स के लिए. अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, इसके अंदर सरकार ने बोल दिया है इन सारे गिग वर्कर का डेटा दिया जाएगा. अब ये इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अगर इनका डेटा मिल जाए और डेटा मिलने के बाद सरकार इनके लिए कोई स्कीम चलाती है या इनको टारगेट करती है तो इस ऑडियंस को अपने फेवर में करा जा सकता है, राइट? बिकॉज डेटा इज दी की, एंड इफ यू आर एबल टू, जो ऑडियंस आपके फेवर में है तो डेफिनेटली वो आपको वोट करेगी और वो आपको वोट करेगी तो आप पावर में आ ही जाओगे और राजस्थान के इलेक्शन होने ही वाले हैं. तो दैट इज वाई गिग वर्कर्स बिल. तो राजस्थान इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट गिग वर्कर्स बिल, जिसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023, जिसे गारंटी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी गिग वर्कर्स को. 200 करोड़ का फंड बनाया जा रहा है इनके लिए. ओके, एंड ऑफ द डेट्स पॉलिटिक्स, वेरी वोट बैंक पॉलिटिक्स. डेटा इज द फ्यूचर. फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास डेटा तो फ्यूचर है. फॉर एग्जांपल चलो हमको एक छोटा सा डेटा मिला, हमको ये मिला ये ए स्टेट है, कोई भी स्टेट ले लो. इसके अंदर हमको पता लग गया 30% विल वोट फॉर से बी पार्टी, हमको पता लग गया 40% विल वोट फॉर सी पार्टी. ठीक है, उसके बाद 20% विल वोट फॉर ए पार्टी, और उसके बाद 30, 40, 70, 90 and 10% मिसेलेनियस है जो किसी को भी वोट कर सकते हैं. अब मान लिया जाए इसमें से किसी एक BC, BCAM किसी के एक पास, बीसी एक में से किसी के पास डेटा आ जाता है, तो नाउ उसको पता लग गया कि 10% है, इनको हम अपने फेवर में ला सकते हैं, राइट? इनको स्कीम्स दी जा सकती हैं, कुछ मैनुपुलेशन करा जा सकता है वगैरह वगैरह. जिसके पास भी है, आप मैनुपुलेशन कह लो, स्कीम्स कह लो, जो आपको सही लगे अपने हिसाब से, या फिर कुछ वंडरफुल कला जा सकता है. तो ये वाला अगर आपके पास 10% का डेटा है, तो अगर ये 10% यहां मूव कर जाए तो जीत ही जाएंगे, यहां मूव कर जाए और बाकी जो दो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें से कितने लोगों को तोड़ा जा सकता है, उनको क्या दिखाया जा सकता है. सो अगेन डेटा बिकम्स द इंपॉर्टेंट की फॉर द फ्यूचर ऑल्सो. ओके, अगली न्यूज पे चलते हैं अब हम. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज GI टैग फॉर अथूर बीटल लीव्स. अब ठीक है, अथूर बीटल लीव्स, अब इसको बीटल बोलते हैं, बेतल बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है, तो मैं बीटल ही बोल रहा हूँ, या बेतल के पत्ते हैं ये. पूजा वगैरह में अगर आप तमिल की साइड पे जाएंगे तो पूजा में इसका इस्तेमाल होता है, अभी पढ़ेंगे हम. तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट इशूड फॉर अथूर बीटल लीव्स. सो वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया, सो यू कैन एग्जैक्टली टेल हाउ डू वी प्रोनाउंस इट बाय राइटिंग इट्स बेतल और इट्स बीटल. ओके, यू कैन टेल अस. तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हैज इशूड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग सर्टिफाइड टू द अथूर बीटल लीव्स अथूर वेट्रेलाय ऑफ द थोटुकुडी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये. ओके, बीटल लीव्स जिनको हम बोलते हैं वेत्रीलाय, तमिल में इनको बोलते हैं वेत्रीलाय इन तमिल, कल्टिवेटेड इन अथूर विलेज ऑफ थोटुकुडी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, अटेन्ड द GI टैग इन अप्रैल 2023. ओके ओके, हाँ हाँ वही पान का पत्ता. द टैग वॉज फैसिलिटेटेड बाय तमिलनाडु स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. देखो नबार्ड आ गया. मदुराई एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ अथूर वत्तराय वेत्रिलाय विवासंगन संगम, इस नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है.
अधूर वत्तरा वेत्रिलाय विवा सयगल संगम। थोड़ा सा मेरे लिए कठिनाई है इसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। बीटल लीव्स, ओके, तो ये हैं जहां से आपको इनको मिला है। जीआई टैग किसको बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टी है, तो अगर दार्जिलिंग टी को दार्जिलिंग से जो टी निकल कर आ रही है उसके पैकेट पे ही जीआई टैग लग सकता है और वही दार्जिलिंग टी वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। बेसिकली जीआई टैग्स दिए जा रहे हैं कि जिस जगह से वो स्पेसिफिकली हुनर या कोई पर्टिकुलर साड़ी या पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है उनको वो टैग दिया जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स पर जीआई टैग यूज कर सकते हैं, बेसिकली उस प्रोडक्ट का नाम यूज कर सकते हैं और अक्रॉस द कंट्री और कोई उसको यूज नहीं कर पाएगा। दिस इज फॉर द लोकल प्रोडक्ट प्रमोशन और वहां पे जॉब क्रिएशन भी हो। ओके, तो ये है वो आपके पत्ते। सो बीटल लीफ, द अथूर बीटल लीफ प्रीडोमिनेटली यूटिलाइज ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन सच एज टेम्पल फेस्टिवल्स। आपने देखा हुआ है कि पान के पत्ते का प्रयोग होता ही है पूजा के अंदर। अगर आप पूजा करते हैं तो उसमें होता है, नवरात्रों में करते हैं हम, हवन वगैरह में भी करते हैं। हाउस वार्मिंग्स एंड वेडिंग्स पोजिशंस आर डिस्टिंक्टली स्पाइसी एंड पंजेंट फ्लेवर। अगर आप सीजा खाएंगे तो पंजेंट भी आपको लगेगा। ओके, गोंड पेंटिंग एमपी, गमोसा आसाम। ओके, अच्छा, बाकी जीआई टैग, तो जीआई टैग किसको बोलते हैं? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए कंसेप्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अगर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि ज्योग्राफिकली इंडिकेशंस क्या है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? तुम थोड़ा एक्नॉलेज कम कर रहे हो, समझ में आया यहाँ तक? प्लीज बताओ। थर्ड पॉइंट तक तो पहुंचा ही नहीं हो दिव्यांश। एक मिनट सर, आई कैन गिव अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मिसमैनेजमेंट इन केरला। इट्स अबाउट मुल्ली पेरियार डैम। एवरी इवन इंटरनेशनल एंड नेशनल मीडिया इज टेलिंग दैट द डैम इज न्यूक्लियर बॉम्ब व्हिच इफ वर्स विल सबमर्ज टू डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम इडुक्की। इवन इफ वी से द डैम इज अंडर कंट्रोल ऑफ तमिलनाडु द पीपल ऑफ केरला और गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल कंसर्न। इट पुट्स लाइव्स ऑफ मिलियंस इन अ क्लिफ। Thank you for sharing this knowledge, Hari Krishna. Yeah, Hari Krishna, you know, there was a coursemate of mine with a very similar name like yours. Same, first name was same. Okay, later on, he left the bureau and he became a civil servant. He cleared civil services later. Okay, so hopefully if you are planning to do. Please explain the third point. Geographically indications, Divyansh, ये geographically indication का third point पूछ रहे हो कि पिछली slide का पूछ रहे हो? दोबारा बताओ, किसका? इस वाली slide का, पिछली slide का? अच्छा, GI tag, अरे GI tags तो पढ़ाया ही नहीं ना, अभी इस पे तो आए हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आर अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट और गुड्स। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, लेट्स रीड इट। दैट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट और गुड्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन एंड हैव डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज और रेपुटेशन एसोसिएटेड विद दैट रीजन। इसमें वर्ड हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पहले शब्द को समझते हैं, प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी तो हम सबको अपने जीवन में सबको क्लियर है, मम्मी पापा ने सबको समझा ही रखा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब सबको पता है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये जमीन मेरी है, इस प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक मेरा है। एवरीबडी इज क्लियर व्हाट इज प्रॉपर्टी राइट? दैट दिस प्रॉपर्टी इज माइन, दिस प्रॉपर्टी इज माइन, दिस प्रॉपर्टी इज माइन, ये मेरी प्रॉपर्टी राइट है। ये सबको क्लियर है व्हाट इज अ प्रॉपर्टी राइट? ओके, नेक्स्ट लेट्स अस टॉक अबाउट, अब इसमें वर्ड हुआ एड इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मींस व्हिच इज रिलेटेड टू एन आइडिया, व्हिच इज रिलेटेड टू अ पेटेंट, व्हिच इज रिलेटेड टू अ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल आई से दिस बॉटल, जो इसका ये डिजाइन है, मान लिया जाए इसका डिजाइन ऐसा है कि इसके अंदर पानी कभी खत्म ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग समथिंग लाइक, बना के बोल रहा हूं मैं, हवाबाजी कर रहा हूं, कि ये जो बोतल है इसके अंदर पानी खत्म नहीं होता, छोड़ो इसके अंदर तुम कैसा भी पानी डाल दो वो साफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर बन जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन। और ये डिजाइन मैंने बनाया है तो इस पर आईपीआर मेरा होगा, यानी का जो इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल जो आइडिया लगा, जो टेक्नोलॉजी लगी, ये मेरा राइट है, ये बन जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, आईपीआर सबको क्लियर हुआ? इट विल बी बेस्ड, इट कैन बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, इट कैन बी बेस्ड ऑन आइडिया, इट कैन बी बेस्ड ऑन पेटेंट, किसी पर भी हो सकता है जिस पर आप ले रहे हैं। ओके, अब दूसरी चीज है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मान लिया जाए ये एक ऐसी बोतल है जो बन रही है दिल्ली के अंदर, मान लीजिए दिल्ली में बन रही है सरोजनी नगर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये बन रही है एक ऐसी बोतल है जिसका डिजाइन इस तरीके से करा गया है कि ये पानी को साफ रखती है, और सिर्फ सरोजनी नगर ही पूरी दुनिया में ये बना रही है, पूरी इंडिया में बना रही है। तो सरोजनी नगर को ये टैग दे दिया जाएगा कि इस बोतल के ऊपर जो भी नाम लिखा है, जैसे आपने इस बोतल का नाम लिख दिया हरी बोतल, ठीक है, ग्रीन बोतल, दैट इट कैन कन्वर्ट इवन द बैड वाटर इनटू अ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, तो इसका नाम रख दिया गया हरी बोतल, हरी बोतल, ग्रीन बोतल। तो ये सरोजनी नगर को जीआई टैग दे दिया जाएगा और ग्रीन बोतल के नाम से पूरे इंडिया में सिर्फ यही बेच सकते हैं इसको, ठीक है, दे वुड बी द इंडिया और अब्रॉड दे वुड बी द ओनली वन हु कैन यूज इट। ये आईपीआर, ये जो राइट है, ये सिर्फ सरोजनी नगर में जो लोग बनाते हैं उनको मिलेगा। इज दिस क्लियर व्हाट इज द जीआई टैग? ये बिल्कुल मैं साधारण भाषा में समझाया आपको। ओके, टेक दैट बॉटल टू शार्क, अच्छा था ये वो मेरा पानी, मेरी बॉटल रख लेंगे।
ठीक है. सो जीआई कैन बी अप्लाइड टू एग्रीकल्चरल, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्री और फूड प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत फेमस जीआई टैग्स हैं, दार्जिलिंग टी हो गई आपकी, बासमती राइस हो गया, कांचीपुरम साड़ीज हो गई, सिल्क हो गया कांचीपुरम सिल्क, शैंपेन आर सम ऑफ द वेल नोन जीआई टैग प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स इन इंडिया आर वैलिड फॉर 10 years एंड आफ्टर दिस पीरियड दे कैन बी रिन्यूड. अगर मुझे मान लीजिए ये हरी बोतल का टैग आज मिलता है तो 2023 से लेकर 2033 तक, 2023 to 2033, I can use it. After that, I have to put this for renewal. Okay, they can be renewed to continue safeguarding the product's unique identity and reputation. So after 10 years, I would have to put it for renewal. 10 साल के लिए तो मुझे मिल जाएगा. So this is GI tag की basic information जो पूछी जा सकती है. अब ये है list of GI tags of 2023. This is very important from fact point of view कि अगर question आ जाए match the following का या पूछ लिया जाए. तो ये हम सीधा सीधा पढ़ते हैं. 2023 में किसको ये बहुत पॉपुलर हुआ है, कश्मीर सैफरॉन. ठीक है, खेती के लिए अगर आप, जब सैफरॉन उग रहा होता है, निकल रहा होता है, आप खेती में जाए तो बड़ी सुंदर खुशबू आती है, रेड कलर का होता है, चाय वगैरह में डालते हैं, दूध में डालते हैं. केसर, हिंदी में केसर. एग्रीकल्चर जम्मू एंड कश्मीर महंगा भी होता है. मणिपुरी ब्लैक राइस फूड स्टफ मणिपुर. कंदमाल हल्दी एग्रीकल्चर उड़ीसा. रसगुल्ला फूड स्टफ उड़ीसा. कोडेकनाल मलई पोंडू एग्रीकल्चर तमिलनाडु. पवनडोम हैंडीक्राफ्ट मिजोरम. नोगोटेकरा हैंडीक्राफ्ट मिजोरम. ये बेसिकली पॉपुलर वाले हैं. हमाराम हैंडीक्राफ्ट मिजोरम. पलानी पंचमीर्थन फूड स्टफ तमिलनाडु. तवाल होपोम हैंडीक्राफ्ट मिजोरम. ओके, ऑतूर बीटल लीफ तमिलनाडु. तिरूर बीटल लीफ केरला 2020. ओके, द पैम्पोर सैफरन सिटी ऑफ इंडिया. मिजो पोंचाई हैंडीक्राफ्ट मिजोरम. गुलबर्ग तूर दाल एग्रीकल्चर कर्नाटका. तिरूर बीटल लीफ तिरूर, ये देखो केरला का भी बोल ही रहे थे. दिस इज 2020. तो दिस इज नॉट, दिस इज बेसिकली मतलब जो इम्पोर्टेंट टैग्स हैं आपके. खोला चिली एग्रीकल्चर गोवा. इडू मिशमी टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट अरुणाचल प्रदेश. डिंडीगुल लॉक्स, ये बहुत पॉपुलर हुआ था डिंडीगुल लॉक्स, एग्जाम में भी पूछा गया था डिंडीगुल लॉक्स. मैन्युफैक्चर्ड तमिलनाडु. कंडगी साड़ी हैंडीक्राफ्ट तमिलनाडु. सिरी विल्ली पुट्टूर पलकोवा फूड स्टफ तमिलनाडु, खाने की चीज है. अमरोहा ढोलक हैंडीक्राफ्ट उत्तर प्रदेश. महोबा गौड़ा पत्थर हता शिल्प हैंडीक्राफ्ट, ये भी उत्तर प्रदेश. ओके, नेक्स्ट मणिपुर. मेनपुरी तरकाशी हैंडीक्राफ्ट उत्तर प्रदेश. संबल हॉर्न क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट उत्तर प्रदेश. बागपत होम फर्निशिंग हैंडीक्राफ्ट उत्तर प्रदेश. बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट उत्तर प्रदेश. कल्पी हैंडमेड पेपर हैंडीक्राफ्ट उत्तर प्रदेश. तो ये कुछ फेमस और इम्पोर्टेंट आपके जीआई टैग्स हैं रीसेंट ईयर्स के अंदर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. इनको जरूर कर लीजिएगा. ओके, इनको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है. ओके, अब चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ. इसके बाद जीआई टैग्स के बाद एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक इज टू करंट अफेयर्स. क्यूसीआई दैट इज उड़ीसा, सॉरी ओसीआई उड़ीसा क्वालिटी मिशन. क्यूसीआई उड़ीसा क्वालिटी मिशन एंड उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च उड़ीसा गुणवत्ता संकल्प इन भुवनेश्वर. तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले उड़ीसा पे एआई एंकर की बात करी थी. उस एआई एंकर का नाम क्या था? लीजा. उड़ीसा से एक और खबर आती हुई, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा लॉन्च दी उड़ीसा गुणवत्ता संकल्प उड़ीसा क्वालिटी मिशन इन भुवनेश्वर उड़ीसा विद नेम टू प्रमोट एंड प्रायोरिटाइज क्वालिटी अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इन स्टेट ऑफ उड़ीसा. तो बेसिकली कह रहा है कि जो भी प्रोडक्ट बने उस पे उड़ीसा नंबर वन पर आए. ठीक है, उड़ीसा से बहुत बच्चे हैं क्लास के अंदर. अर्चिस मान तो मुझे नाम याद ही है. आई थिंक सोनी नंदा इज ऑल्सो फ्रॉम उड़ीसा. सो उड़ीसा इज नाउ फोकसिंग दैट फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर मेकिंग दिस पेन, इफ दे आर मेकिंग दिस स्टाइलस और एनी प्रोडक्ट विच एवर sector, for example even if they are making this glass, that the quality of glass should be the country matching, world matching, best of the best products banaye jaye, high quality pe banaye jaye, so that people come and buy. So this includes areas such as public service delivery, high quality honi chahiye, heritage tourism, that if people and tourists are coming for heritage tourism, they get the best of the services, अगर वो चाहे वो पुरी जा रहे हैं, चाहे वो भुवनेश्वर जा रहे हैं या जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ द थिंग्स. हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, स्किलिंग के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, वेरियस सेक्टर्स के अंदर क्वालिटी को प्रमोट करा जाए. बाय एम्फसाइजिंग क्वालिटी उड़ीसा एम्स टू पोजिशन इटसेल्फ एज द लीडिंग स्टेट इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. इट वॉन्ट्स टू बिकम द नंबर वन ग्रोथ स्टोरी ऑफ द कंट्री, बिकमिंग प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्वालिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी, हेरिटेज टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट इज वॉट उड़ीसा इज फोकसिंग नाउ. यहाँ तक जितनी बातें अभी तक हमने सब करी, ये सबको समझ में आ चुकी है.
Sir, I want to ask a personal question that my raw score in SSC CPU SI is 120 and should I prepare for the next stage? Definitely you should prepare for the next stage. Last time kitni cut off gayi thi? What was the last time cut off, Suraj? Okay. So ye ab haan, ye thoda sa iske andar thoda sa fact hai. It was launched with in collaboration with Quality Council of India. So basically this is Quality Council of India. Quality Council of India and Odisha government launched Odisha Gunvatta Sankalp in Bhubaneswar. Gunvatta, gun hone chahiye. Gun matlab quality honi chahiye. Gunvatta Sankalp yani क्वालिटी संकल्प ले रहे हैं भैया, क्वालिटी प्रोडक्ट निकालेंगे हम, क्वालिटी संकल्प लिया जा रहा है. Okay, so it was launched within collaboration with Quality Council of India and other industry associations such as, अब ये full forms हैं, इनको ध्यान में रखना है क्योंकि ये match the following में आ सकते हैं. अब जैसे कि ASSOCHAM का full form क्या है, Associated Chamber of Commerce and Industry of India, number one. उसके बाद आपका आ गया FICCI, ये भी पूछते हैं, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, number two. उसके बाद three आ गया EEPC, Engineering Export Promotion Council of India. फिर चौथा आ गया उसमें उड़ीसा असेंबली ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. फिर आ गया PHDCCI, PHD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CPET, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI. प्लीज आप इन फुल फॉर्म्स को अलग से लिख लीजिए क्योंकि ये फुल फॉर्म्स मैच द फॉलोइंग में आ जाती हैं और तब एकदम से ध्यान क्लिक नहीं होता. जैसे हमने नबार्ड की फुल फॉर्म की बात करी थी तो ASSOCHAM, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, EEPC इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें उड़ीसा असेंबली ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, पांचवा PHD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI, छठा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजी CPET और सातवा FHRAI, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया. तो इन सब के साथ कोलैबोरेशन करा करेगी थी. कोलैबोरेशन मेन कोलैबोरेशन है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड उड़ीसा गवर्नमेंट, उसके साथ बाकी ये कुछ एसोसिएशन भी हैं जो साथ में है. ओके, 115. तो 115 तो फिर तो तुम आई थिंक यू शुड नॉट इवन आस्क अ क्वेश्चन. ठीक है, फॉर अनरिजर्व 115 तो प्रिपेयर करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो. देयर इज नो डाउट अबाउट इट एंड जस्ट टू टेल यू, इन सावधा दिव्या मैम इज कमिंग विद SSC CPO कोर्स आल्सो वेरी सून. जैसे मैं IB लेकर आ रहा हूँ आने वाले दिनों के अंदर, दिव्या मैम वुड बी, क्योंकि सी इज अ फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट, तो शी विल बी कमिंग विद द SSC CPO कोर्सेज आल्सो एंड वी विल आल्सो बी कमिंग फॉर द स्टूडेंट्स. नॉट एवरीबॉडी हाजदी की उनके पास सारी चीजें होती है, व्यवस्था होती है टू ट्राई फॉर CAPF एंड CPO. मेनी स्टूडेंट्स ट्राई फॉर SSC GD एंड अदर, सो वी विल आल्सो बी वर्किंग स्पेसिफिकली ऑनलाइन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको SSC GD और CPO की राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती है, स्पेसिफिकली इवन फॉर दैट मैटर CPO आल्सो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट. CAPF AC के अंदर तो फिर भी गाइडेंस है, CPO की गाइडेंस की बात करें, SSC GD की गाइडेंस करें, एन ऑफिसर इज नॉट गाइडिंग देम. व्हाट मोस्टली आई हैव सीन स्पेसिफिकली SSC GD लेवल पे तो काफी बुरी हालत जो मैंने देखी है, तो दैट ऑल्सो वी विल ब्रिंग एंड अगेन एट वेरी रीजनेबल प्राइजेस फॉर दैट ऑल्सो इन फ्यूचर. ठीक है, मतलब इन आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन 1 to 2 months यू विल सी एंड इट विल बी ऑनलाइन कोर्सेज एंड एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस सो दैट सब लोग उस कोर्स को ले पाए. एनीवेज कमिंग बैक टू IBSAI 2 क्लास, तो जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च इंडियाज फर्स्ट टेली मानस चैट बोर्ड फॉर पीपल इन मेंटल डिस्ट्रेस. तो मोदी जी लेकर आए हैं ये, तो अगर हम देखें इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ केयर अ न्यू चैटबॉट. चैटबॉट आपने देखा होगा काफी सारे वेबसाइट पर, आप जानते हो तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन आता है, वो आंसर करता है चैटबॉट. अगर आप माई जियो का ऐप यूज कर रहे हो या फिर आप जियो फाइबर यूज कर रहे हो वहां पे भी चैटबॉट है, हर जगह आजकल चैटबॉट हो रहा है. ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट टेली मानस चैटबॉट विच कैन बी एक्सेस 24/7. इट एम्ड एट एड्रेसिंग द ग्रोइंग केसेस ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर. इट इज सिग्निफिकेंट स्टेप इन इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ केयर इन द रीजन. तो मेंटल हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए ये एम करा जा रहा है जम्मू और कश्मीर के अंदर. 24/7 होगा 24/7 और इसको बोला गया है टेली मानस चैटबॉट. ओके, मेंटल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए. ओके, सो मनोज सिन्हा जो इन्होंने मनोज सिन्हा इज द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लॉन्च इंडियाज फर्स्ट टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स मानस. मानस का फुल फॉर्म ध्यान रख लियो, ये ध्यान रखो क्योंकि हमने देखा है करंट गवर्नमेंट ये फुल फॉर्म्स बहुत लेकर आती है याद करने के लिए.
मानस का फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। इट्स अ चैट बॉट इन द यूनियन टेरिटरी टू एनहांस मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर डिस्ट्रेस्ड पीपल बाय इनिशिएटिंग एन इंस्टेंट कॉन्वर्जेशन विद दोज हु आर इन द नीड। द टू टियर सिस्टम कंप्राइजेस स्टेट टेली मानस सेल्स विच इंक्लूड ट्रेन्ड काउंसिलर्स होंगे जिसके अंदर एंड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट इन टीयर वन एंड स्पेशलिस्ट एट डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम DMHP, मेडिकल कॉलेज रिसोर्सेज फॉर फिजिकल कंसल्टेशन और ई संजीवनी फॉर ऑडियो विजुअल कंसल्टेशन इन टीयर टू। द इनिशिएटिव विल इंश्योर राउंड द क्लॉक सर्विसेज ऑफ हेल्थ काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेशन। तो इसके अंदर बेसिकली अलग अलग लेवल बनाए गए हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मानस, जो ये आपका टेली मानस है, टेली मानस में इंडिया फर्स्ट टेली मानस क्या है, ये चैट बॉट है, चैट कर सकते हो। मानस का फुल फॉर्म क्या है, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। और इसके अंदर अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो आप इसमें बात कर सकते हो। ओके, दो टीयर सिस्टम है, टीयर वन टीयर टू, जिसके अंदर स्टेट लेवल पर आपके टेली मानस सेल्स है, जिसके अंदर ट्रेड काउंसिलर्स होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की anxiety, stress, depression, so you can talk to them and mental health specialist in tier 1. और फिर उसके ऊपर next level के हैं, district level पे हैं DMHP, medical college resources. और अगर आप audio visual consultation करना चाहते हैं तो आप e-संजीवनी use कर सकते हैं। तो शौर्य और विवेक डिफेंस अकेडमी के चैनल के ऊपर मैंने e-संजीवनी पे वीडियो बनाया था, जब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते थे कि सर हमको आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी है, तो SSB के बाद जो मेडिकल होता है तो उसके अंदर ऑप्शन होता था कि आप आर्मी डॉक्टर से भी कंसल्टेशन ले सकते थे एंड देन यू कुड हैव आस्क्ड अबाउट योर इश्यूज। तो ई संजीवनी एक पोर्टल है जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और मेडिकल चेकअप के लिए जा सकते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA रीजॉइंस यूनेस्को आफ्टर 5 years। तो फाइनली यूनेस्को को ज्वाइन कर लिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने यूनेस्को को लात मार दी थी और चले गए थे। और यूनेस्को और US का बवाल बेसिकली स्टार्ट हुआ था जब पैलेस्टाइन को एज ए मेंबर लिया गया था, तब से US और यूनेस्को के टर्म्स खराब हो गए थे। यूएस ने यूनेस्को की फंडिंग बंद कर दी थी जो काफी अच्छे खासे डॉलर्स की थी। एंड फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, यूनेस्को कब बना, तो यूनेस्को बना है आपका नवंबर 1945 के अंदर, और बेसिकली अब US वापस आया है 5 साल बाद। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रीजॉइंड एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 5 years ऑन 30th June 2023। 193 member states of UNESCO member met for extraordinary sessions to examine the proposal of the USA to rejoin UNESCO as early as July 2023 on the basis of concrete financial plan, जिसके अंदर सबसे important बात है पैसा देगा भैया, अमेरिका पैसा देगा। Includes a commitment to repay its estimated arrears of $619 million during the meet, 132 voted in favor, 10 voted against, यानी कि $619 million का तो पुराना जो बकाया पैसा है जो अमेरिका ने नहीं दिया है वो देगा। USA decision to rejoin UNESCO was motivated by concern जो चाइना का इन्फ्लुएंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसीज पे। चाइनाज इन्फ्लुएंस इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी अप्रेंटिसशिप अराउंड द वर्ल्ड, जो अप्रेंटिसशिप दे रहा है यंगस्टर्स को, उस प्रोग्राम पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े, उससे इसीलिए वो यूनेस्को के अंदर वापस आ गया है। ओके, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया ये वाली बात। और यूनेस्को का कुछ बेसिक भी देख लेते हैं। तो जो अमेरिका है, अमेरिका फाउंडिंग मेंबर भी है यूनेस्को का। द US स्टार्टेड फॉलिंग आउट विद द एजेंसी इन 2011 व्हेन द बॉडी एडमिटेड पैलेस्टाइन एज अ मेंबर स्टेट प्रमोटिंग द आयर ऑफ बोथ USA एंड इजराइल। तो जब पैलेस्टाइन को मेंबर लिया गया उसी टाइम से संबंध खराब होने लग गए अमेरिका और इजराइल के। उसके बाद इन 2017 फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस द US वॉज कंप्लीटली विड्रॉइंग फ्रॉम द एजेंसी अलॉन्ग साइड इजराइल। US स्टेट डिपार्टमेंट accused the body of anti-Israel bias थे वो, और इवेंचुअली वो निकल गए। बट अब जब जो बाइडेन की सरकार है, दे आर कमिंग बैक इन दी यूनेस्को। अब यूनेस्को का कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, एम्ड एट प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट्स, साइंसेज एंड कल्चर। अब यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े, और अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो नेशंस के ऊपर, यूथ के ऊपर, ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ेगा। उस इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका हैज कम बैक, और $619 million जो पुराने अरियर बकाया है पहले अमेरिका ने उसकी कमिटमेंट दी है। कब फॉर्म हुआ था यूएनएस्को, 16th November 1945। इट हैज 194 मेंबर स्टेट्स, 12 एसोसिएट
members हैं as well as partners in the non-governmental, intergovernmental and private sector. Headquarter कहाँ है इसका? Headquarter is in Paris, France. UNESCO has 53 regional field offices and 199 national commissions that facilitate its global mandate. तो 16 नवंबर 1945 के अंदर UNESCO form हुआ. United Nations की एक specialized agency है जिसका focus है world peace and security, international cooperation करते हैं education में, arts में, science में, culture के अंदर. 16 नवंबर 1945 को बने. 194 member states हैं, 12 associate members हैं और इसका headquarter है Paris, France में. Headquarter कहाँ है? पेरिस फ्रांस के अंदर. 53 रीजनल फील्ड ऑफिसेस, 199 नेशनल कमीशंस दैट फैसिलिटेट्स ग्लोबल मैंडेट. ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूज, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बिकम्स द फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट ऑब्जर्वर स्टेटस एट एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आपके दो नंबर के पैसे को एक नंबर जो बनाने का काम है, मनी लॉन्ड्रिंग हवाला भी आता है उसके अंदर. हवाला में तो मनी ट्रांसफर होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग अगली क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग बताने की कोशिश करूंगा. एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग इटसेल्फ इज अ ह्यूज सिक्योरिटी टॉपिक. कभी मैं सिक्योरिटी कोर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा मनी लॉन्ड्रिंग. कम से कम एक डेढ़ घंटे का टॉपिक ही है मनी लॉन्ड्रिंग अलग से. ओके, आप अभी के लिए बस ये समझ लो, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर दो नंबर के पैसे को एक नंबर का पैसा बनाया जा रहा है, इधर से उधर करा जा रहा है, बेसिक टर्म समझ लो. ओके, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू बी ग्रांटेड, पहली अरब कंट्री है टू बी ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है. ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एपीजी, द लार्जेस्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रीजनल बॉडी एफएसआरबी इन द वर्ल्ड. द डिसीजन वाज मेड एट द एपीजी 2023 एनुअल मीटिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फोरम हेल्ड इन वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा. अब ये डिसीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट अरब कंट्री आई है और जो हमारा ये जो मिडिल ईस्ट का इलाका है यहाँ पर जो पैसा है खासकर फाइनेंशियल टेररिज्म के अंदर बहुत यूज होता है. सो कमिंग ऑफ यूएई एज ऑब्जर्वर स्टेटस काफी सारी इंटेलिजेंस भी हमें फ्यूचर में प्रोवाइड कराएगा. एपीजे प्लेनरी मीटिंग क्या है? मीटिंग वॉज को चेयर्ड बाय एसोसिएट असिस्टेंट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. मतलब ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन इस मीटिंग के अंदर था, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यूएई फर्स्ट अरब कंट्री है जिसको ऑब्जर्वर स्टेशन मिला है एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और हमें बेसिक मनी लॉन्ड्रिंग पता होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है. ओके ओके, सो चलो फिर ये लास्ट न्यूज कवर करते हैं, फिर अगली क्लास है. इनॉग्रेशन ऑफ गुजरात फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट. चलो ये मैं अगली क्लास में ग्रीन फील्ड भी समझाऊंगा आपको. तो पिछली बार की जो हमने लास्ट न्यूज पढ़ी थी वो थी यूएई बिकम्स द फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट ऑब्जर्वर स्टेटस एट एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, एंड आई एम वेरी श्योर आपको पिछली बार की पीडीएफ भी मिल गई होगी. तो पिछली बार मैंने आपसे बोला था कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग. तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द सोर्स ऑफ मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलीगल सोर्सेज, कन्वर्टिंग इनटू अ क्लीन सोर्स, थेरबाय अवॉइडिंग प्रोसिक्यूशन, कन्विक्शन एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ क्रिमिनल फंड्स. इट इज द इलीगल एक्सरसाइज दैट कन्वर्ट्स ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी. तो काले धन को सफेद धन बनाने का जो तरीका है उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. और दुनिया भर की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल्स, टेररिस्ट मनी लॉन्ड्रिंग को यूज करते हैं. तो इसके तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. पहला स्टेप है प्लेसमेंट, दूसरा स्टेप है लेयरिंग और तीसरा स्टेप है इंटीग्रेशन. प्लेसमेंट है डर्टी मनी इज इंट्रोड्यूस्ड, कि डर्टी मनी को यानी कि जो गोरख धंधों से पैसा कमाया गया है, चाहे वो ड्रग्स के थ्रू है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के थ्रू है, या फिर विमेन ट्रैफिकिंग के थ्रू है, या फिर चाहे आप गोल्डन क्रेसेंट की बात करें, गोल्डन ट्रायंगल की बात करें, जहां पे ड्रग्स की खेती करी जाती है, ड्रग्स को बेचा खरीदा जा सकता है, जितने भी गोरख धंधे हैं, काले धंधे है जो उससे पैसा निकल के आता है, चाहे वो स्मगलिंग के थ्रू ही हो, वो प्लेसमेंट उसकी फर्स्ट स्टेज होगी कि ये जो गोरख धंधे से पैसा कमाया गया है इसे लीगल फाइनेंशियल सिस्टम में डाला जाए. लेयरिंग होती है इलिसिट फंड्स आर मूव्ड अराउंड टू डिसगाइज. मान लिया जाए एक ए बैंक है जो बेसिकली ऐसी तरीके के पैसे लेता है, जो बेसिकली ड्रग की मनीज लेता है या फिर आपकी इलिसिट मनी को लेता है. अभी कुछ ऐसी कंट्रीज होती है, बैंक तो कोई भी खोल सकता है, और इस बैंक से लेकर इतने सारे बैंकों में ट्रांसफर करा जाता है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, इतने बैंक्स में करा जाता है कि लेयरिंग बन जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और आप कभी फाइनल सोर्स तक पहुंच ही नहीं पाते हो कि ये बेसिकली इलीगल पैसा जेनरेट कहां से हुआ. और इतनी लेयरिंग के बाद इलीगल मनी इवेंचुअली
लीगल मनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, ये आपकी लीगल मनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम देखेंगे, ये कलेक्शन हुआ ऑफ डर्टी मनी, ये प्लेसमेंट में गया कि जहां पर पहली बार बैंक में इंट्रोड्यूस करा गया। अब ये जो बैंक इस टाइप के होते हैं, ये ऑलरेडी बिके हुए बैंक होते हैं या किसी क्रिमिनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से सटे हुए बैंक होते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी सेटिंग होती है। इस बैंक में घुसने के बाद ये बैंक इसे इतनी मल्टीपल बार जाकर ट्रांसफर करेगा, वायर ट्रांसफर थ्रू सो मेनी बैंक्स, ट्रांसफर फंड्स बिटवीन वेरियस ऑफशोर ऑनशोर बैंक्स, दुनिया भर में इस पैसे को इतना ज्यादा घुमा दिया जाएगा कि कभी आपको इसकी फाइनल सोर्स पता ही नहीं लगेगी। और उसके बाद इस पैसे को फाइनली यूज करा जाएगा परचेज ऑफ लग्जरी एसेट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कि ये जो ब्लैक पैसा था, काला धन था, यहां पर जब इसको खरीद लिया गया, यहां पर वो बंदा टैक्स वगैरह भर देता है, जो भी टैक्स भरना है नहीं भरना है, और ये बन जाता है आपकी व्हाइट मनी, यानी कि गोरख धंधों से जो पैसा कमाया गया, जो नॉन टैक्सेबल इनकम थी, उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है, घुमाया जाता है और इकोनॉमी में डाल दिया जाता है ये सारा सामान खरीदने के लिए। और ये जो पैसा जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कमा रही है या क्राइम से कमाया जा रहा है, थ्रू दी स्टेजेस प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। आई होप आप सबको मनी लॉन्ड्रिंग क्लियर हो गया। ओके, पिछली बार मैंने बोला था मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग बताऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। और आज थोड़े से स्टूडेंट कम है, मतलब अब थोड़े से बड़े हैं, बट स्टूडेंट रिलेटिवली कम है, आई थिंक पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ओके, अब इसी से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आपने देखा होगा, दो टर्म्स बहुत सुने होंगे आपने, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, कि पाकिस्तान को उठा के ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए, उसे ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। ये जो टर्म्स यूज होते हैं ये बेसिकली FATF के टर्म्स है, उनकी लिस्ट है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। ये जो हमने अभी मनी लॉन्ड्रिंग को देखा, जो टास्क फोर्स इस पैसे को ट्रेस करने की कोशिश करती है, इन लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स में नहीं था आपके FATF के। 2001 के अंदर ही, 2001 के अंदर ही इट्स मैंडेट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म फाइनेंसिंग, नहीं तो पहले, इससे पहले ये टेररिज्म फाइनेंसिंग नहीं देखता था, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन या क्रिमिनल्स जो मनी लॉन्ड्रिंग को यूज करते हैं वही थी। बट लेटर ऑन देखा गया कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, ये इनका टाइप और ये मनी लॉन्ड्रिंग का टाइप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही है, चाहे वो अलकायदा हो, आईसिस हो और समवेयर एल्स, चाहे वो पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो। सो इवेंचुअली इनको मैंडेट दे दिया गया 2001 के अंदर टेररिज्म फाइनेंसिंग का भी। सो इट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दैट एम टू प्रिवेंट दीज इलीगल एक्टिविटीज एंड द हार्म दे कॉज टू सोसाइटी। इसको कब ढूंढा बनाया गया था, इट वॉज फाउंडेड इन 1989. It was founded in 1989 on the initiative of G7 to develop policies to combat money laundering and to maintain certain interest. कि money laundering से fight कर रहे हैं, terrorism financing 2001 में इसके objective में add कर दिया गया। तो ये है आपकी financial action task force, और ये जो मेरे right side में आप देख रहे हो, ये इसका logo और symbol है। ओके, अब हम अगली न्यूज पे चलते हैं। इनॉग्रेशन ऑफ गुजरात फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन राजकोट। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, और आपसे बोला था जब मंडे को क्लास हुई थी कि अगली क्लास में आकर मुझे आप बताना कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में क्या डिफरेंस है। प्लीज टेल, बताओ क्या डिफरेंस है, बताओ। वेटिंग फॉर योर आंसर। कोई लिखने वाला है किसी को? अगर नहीं आता तो बना कर दो, सर नहीं आता है, आप ही बता दो, फिर मैं तो बता ही दूंगा। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में क्या डिफरेंस है? डेवलपिंग अ कम्प्लीटली न्यू एयरपोर्ट इज ग्रीन फील्ड एंड रेनोवेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट इज ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड आर वर्किंग ऑन ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली आप सब लोगों ने सही बताया है। ग्रीन फील्ड वो होता है जो बिल्कुल ही न्यू प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि तुमने एक नई बिल्डिंग बनाई और एक पुरानी या फिर एक बिल्डिंग की आप मरम्मत करके उसको बेटर या अच्छा कर रहे हो, जैसे रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आपके ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ग्रीन फील्ड इज समथिंग विच यू स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, एंड ब्राउन फील्ड इज विच इज ऑलरेडी मेड, आप उस पे रेनोवेशन कर रहे हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट करा गुजरात का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, हिरासर ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हिरासर राजकोट गुजरात के अंदर है। एयरपोर्ट विल बी द एपिटोम ऑफ लोकल आर्किटेक्चरल हेरिटेज, लोकल आर्किटेक्चरल हेरिटेज होगी, एंड विल रिफ्लेक्ट द कल्चरल ग्लोरी ऑफ आर्ट एंड डांस फॉर्म्स ऑफ काठियावाड़ रीजन ऑफ गुजरात। इट इज लोकेटेड एट हिरासर विलेज, अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम राजकोट, एंड स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 1500 एकर्स, एंड हैज बीन डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1405 करोड़। ओके, तो ये जो आपका हीरासर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
इसके अंदर कल्चरल ग्लोरी दिखाई जाएगी आर्ट एंड डांस की काठियावाड़ रीजन की। जैसे दिल्ली के एयरपोर्ट पे आप जाते हो, दिल्ली आईजीआई के अंदर आपको काफी जगहों पे भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती है और जो उनके हाथ के अलग अलग सिंबल्स है जिनके डिफरेंट मीनिंग्स है वो भी देखने को मिलता है। तो हर एक एयरपोर्ट के अंदर अगर आप बैंगलोर के एयरपोर्ट में जाओ तो आपको साउथ का कुछ ट्रेडिशंस दिखेंगे। तो डिफरेंट एयरपोर्ट्स यू फाइंड डिफरेंट। इस एयरपोर्ट के अंदर फोकस होगा काठियावाड़ रीजन की कल्चरल ग्लोरी एंड आर्ट एंड डांस। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट इज वन वेयर द डेवलपमेंट वर्क इज कैरिड आउट इन अ प्लेस प्रायर वर्क हैज बीन डन। इट रेफर्स टू अ प्रोजेक्ट वेयर एन एग्जिस्टिंग वन इज रीबिल्ट, मॉडिफाइड और अपग्रेडेड। कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ही आप दोबारा बना रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो या रीबिल्ड कर रहे हो। Greenfield project, on the other hand, is one where the land on which the project is developed has never been used and there is no need to rebuild or demolish an existing structure. आप basically structure को शुरू से बनाओगे, एक नया structure बनाओगे, scratch से start करोगे, वो जाएगा आपका greenfield project. So this is your brownfield and this is your greenfield project. उसके बाद आते हैं हम अगली न्यूज की तरफ। दिस इज सेमिकॉन इंडिया 2023, सेमिकॉन इंडिया 2023 इनक्लेव जो हुआ आपका गांधीनगर गुजरात के अंदर। ये हुआ गांधीनगर गुजरात और सेमीकंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोदी जी इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर गुजरात। द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड अंडर द कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म टू द पार्टिसिपेंट्स टू डेलिब्रेट ऑन वेरियस एस्पेक्ट शेपिंग द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो इंडिया में सेमीकंडक्टर पे फोकस बहुत ज्यादा, इंडिया में क्या दुनिया भर में सेमीकंडक्टर पे फोकस बहुत है। बेसिकली आज के टेक्नोलॉजी को अगर आप देखेंगे और टेक नीड्स को देखते हो, सेमीकंडक्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या थे कॉन्फ्रेंस के? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वो वन और टू ऑप्शन आते हैं। इट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल लीडर्स फ्रॉम इंडस्ट्री एकेडमी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। की इंडस्ट्री एकेडमी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन साथ में आए और उसके अंदर रिसर्च क्या हो रही है, इंडस्ट्री की डिमांड क्या है और दूसरी तरफ एकेडमिया में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये तीनों मिलकर एक नए प्रोडक्ट की बात करें, लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें। इट ऑल्सो हाईलाइट्स इंडिया सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी विच एम्स टू मेक द कंट्री अ ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। कि दुनिया के अंदर आगे चल के जब सेमीकंडक्टर की बात हो तो उसका ग्लोबल हब इंडिया हो, कि दुनिया में सेमीकंडक्टर की चाहे डिजाइन की बात हो रही हो, मैन्युफैक्चर की बात हो रही हो या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात हो रही हो, भारत नंबर वन पर है। जैसे कि सरकार का बहुत ज्यादा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, ई व्हीकल्स पर है। किस पर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई व्हीकल्स, इस पर बहुत फोकस है। अगर आप रोड मिनिस्ट्री में देखें तो रोड जो आपके बन रहे हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज है या स्टेट हाईवेज है, द स्पीड हैज इंक्रीज। पहले अगर आपका 5-6 किलोमीटर अ डे बनता था, अब वो 66-70 किलोमीटर अ डे आपके नेशनल हाईवेज बन रहे हैं और मोर। तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जहां पर इंडस्ट्री एकेडमी मतलब एकेडमी यानी कि पढ़ाई लिखाई या फिर कॉलेज इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन साथ में आए और भारत को सेमीकंडक्टर का मेन कोर कंट्री बनाए दुनिया के लिए। ओके, होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, अगली न्यूज पे चलते हैं। ओवरव्यू ऑफ प्रधानमंत्री मोदी विजिट टू यूएई। अब यूएई की जो उनकी विजिट थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियली विजिटेड अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये उनकी कौन सी विजिट थी? फिफ्थ विजिट थी यूएई सिंस 2015। तो 2015 से लेकर 2023 के बीच में 5 बार वो यूएई जा चुके हैं और इससे आपको समझ में आएगा कितनी गहरी मित्रता हो रही है भारत और यूएई के बीच में। ही वॉज वेलकम बाय क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी एच शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जियाद अल नहयान। वेरी इंपॉर्टेंट, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी एट द एयरपोर्ट ही आए एंड अ सेरेमोनियल वेलकम एंड गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ड्यूरिंग हिज विजिट प्रधानमंत्री मोदी जी मेट विद हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन सैयद प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई इन अबू धाबी यूएई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जाती है कि मीट तो हुई, एक तो ये होती है मीट कब हुई, दूसरा है मीट कहाँ हुई, दूसरे देश का कौन रिप्रेजेंटेटिव था, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। फिर एक सवाल ये पूछ लेता है कि मीटिंग के अंदर हुआ क्या। तो एक एमओयू साइन हुआ आरबीआई
जैसे हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही यूएई का है सेंट्रल बैंक फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रेमवर्क, जिसके अंदर लोकल करेंसीज को यूज करा जा सकता है, यानी कि हमारा रूपी यूज करा जाएगा और उनकी रेलेवेंट करेंसी को यूज करा जाएगा। तो हमारा लोकल करेंसी INR और उनका AED फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन वॉज साइन। आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंडिया ने इस तरीके की साइनिंग करी है। ओके, उसके बाद इंडिया एंड यूएई एग्री टू लिंक द इंडियाज यूपीआई इंटरफेस विद गल्फ कंट्रीज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो हमारी यूपीआई को उनके इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म से भी इंटरलिंक करने की कोशिश करी जा रही है कि यहां से वहां पर वायर ट्रांसफर मनी, यानी हमारे यूपीआई के थ्रू टू देयर आईपीपी फास्टर और बेटर हो पाए। तो यानी कि फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, फाइनेंशियल सिस्टम्स के कोलैबोरेशन करने की बात करी गई, जहां पर आपके आरबीआई और सेंट्रल बैंक के बीच में लोकल करेंसी के एक्सचेंज की बात करी गई, और इंडिया के टॉप नॉच यूपीआई सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और उस कंट्री का आईपीपी इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के बीच में। तो दैट मींस बिटवीन आरबीआई प्लस सीबी वन और सेकंड इज आईपीपी प्लस यूपीआई। तो दिस इज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद इंडिया ने आईआईटी को लेकर भी एक कोलैबोरेशन करा है, इंडिया साइंस एमओयू विद एजुकेशन एंड नॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ आबू धाबी फॉर सेटिंग अप आईआईटी दिल्ली कैंपस देयर, कि आईआईटी दिल्ली कैंपस को वहां पर भी सेटअप करा जाएगा। पीएम मोदी अश्योर्ड इंडियाज फुल सपोर्ट टू यूएई, जो COP28 प्रेसिडेंसी के लिए भारत ने यूएई को फुल सपोर्ट देने की बात करी है, और जो 2023 का यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, या जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC भी बोलते हैं, मोर कॉमनली रेफर टू एस COP28, विल बी हेल्ड फ्रॉम November 30th अंडर टू December 28th एक्सपो सिटी दुबई, जिसके अंदर भारत ने फुल सपोर्ट की बात करी है यूएई की प्रेसिडेंसी को। यहां तक सबको सब चीजें क्लियर है? प्लीज एक्नॉलेज। उसके बाद होती है अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो बैंक्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इन दोनों बैंक का लाइसेंस इसलिए बंद कर दिया गया, दे वर अनेबल टू पे देयर प्रेजेंट डिपॉजिटर्स इन फुल, यानी कि जो लोगों ने पैसा उस बैंक में आके डाला था, जब वो विड्रॉ करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने 20,000, 40,000, 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, जितना भी पैसा डाला था, उतना पैसा आप द बैंक इज नॉट एबल टू पे टू हिज डिपॉजिटर, और इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अंडर दी DICGC एक्ट 1967 प्रोविजन इस बैंक को बेसिकली यूजिंग, ये तो 5,00,000 रुपए के ऊपर हो गया है, बेसिकली पॉइंट इज हाउएवर ऑन लिक्विडेशन एवरी डिपॉजिटर इज एंटाइटल टू रिसीव अ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम ऑफ अमाउंट ऑफ हिज डिपॉजिट ₹5,00,000 फ्रॉम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ DICGC एक्ट 1961। दिस इज डिफरेंस, आरबीआई ने कैंसिल करा यूजिंग द आरबीआई पावर एंड आरबीआई एक्ट। इसके थ्रू बेसिकली अगर आप डिपॉजिटर थे और आप 5,00,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हो अंडर देयर गाइडलाइंस और जो भी आपका सिनेरियो होगा। दूसरी चीज, इन बैंक्स को, जिनको दो बैंक्स को बंद करा गया, उनका नाम क्या है, मलकापुर अर्बन कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड। क्या नाम है? मलकापुर अर्बन कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड, दैट इज मलकापुर UCB, और दूसरा बैंक है सुश्रुति सोहद्रा सहकारा बैंक नियमती SS SSS बैंक। एक बैंक आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है और मलकापुर UCB आपका बुलढाणा महाराष्ट्र के अंदर है। तो इन दोनों बैंक्स को बंद कर दिया गया क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है अपने डिपॉजिटर्स को देने के लिए। सो इट बिकेम अ बिग न्यूज बिकॉज आरबीआई जब लाइसेंस कैंसिल कर रही है तो दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजन विच हैज बीन टेकन। सो आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और सुश्रुति। तो दिस सुश्रुति इज इन बैंगलोर और ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है, बुलढाणा के अंदर। क्यों बंद कर दिया गया वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, आरबीआई अलाउज कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी फ्रॉम 1st October 2023, यानी कि इस महीने से 1 अक्टूबर 2023 से कार्ड पोर्टेबिलिटी चालू हो गई है। जैसे कि हमारी सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी है ना, आप जियो से एयरटेल में जा सकते हो, आप एयरटेल से वोडाफोन में जा सकते हो, फिर वोडाफोन से जियो में जा सकते हो, कि आप कार्ड पोर्टेबिलिटी कर सकते हो, उसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड अ ड्राफ्ट सर्कुलर अरेंजमेंट विद कार्ड नेटवर्क्स फॉर इश्यू ऑफ डेबिट क्रेडिट एंड प्रीपेड कार्ड्स, एम्पावरिंग द डेबिट क्रेडिट एंड प्रीपेड कार्ड यूजर्स इन इंडिया विद कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी, जो 1 अक्टूबर से इफेक्ट में आएगी। दिस मीन्स यूजर कैन पोर्ट देयर कार्ड नेटवर्क
जस्ट लाइक वन कैन पोर्ट स्विच मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर वाइल रिटेनिंग द सेम फोन नंबर, कि आप सेम फोन नंबर ले सकते हो और आप सर्विस प्रोवाइडर को चेंज कर सकते हो, इसी तरीके से इसके अंदर आप अपने कार्ड के नेटवर्क को बदल सकते हो। सो द कार्ड नेटवर्क जब ये चेंज होगा तो आपके कार्ड अकाउंट की डिटेल, बैलेंस और क्रेडिट हिस्ट्री आपकी सेम रहेगी, मतलब सेम उसको प्राइवेसी रहेगी, उसको चैलेंज नहीं करा जा सकता, ना ही यूज करा जा सकता है। और इसको यूज आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2000 सिस्टम एक्ट 51 ऑफ 2007। तो बेसिकली जैसे कि हमने मोबाइल फोन्स में देखी है पोर्टेबिलिटी, अब आपके क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड्स के अंदर भी पोर्टेबिलिटी होगी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रीपेड। प्रीपेड क्या हुआ कि उसके अंदर आप पैसे भर दो, जितने पैसे हैं उतना आप यूज कर सकते हो। बाकी आप में से किसी को पता है तो बताओ प्रीपेड कार्ड क्या होता है, और इसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट तक ही रिचार्ज हो पाता है। अगली न्यूज है इंडिया बैंक एंड NECL कोलैबोरेट टू इंट्रोड्यूस डिजिटल सर्विसेज अंडर प्रोजेक्ट वेव। अभी तक जितना बताया क्लियर है आपको, जो आरबीआई वाली बात करी तो इंडियन बैंक अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर लेंडर जॉइन हैंड्स विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज, प्लीज ध्यान में, टू रोल आउट अ रेंज ऑफ डिजिटल सर्विसेज पार्ट ऑफ इट्स एम्बिशियस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशियल प्रोजेक्ट वेव। अब हालांकि बैंक की न्यूज थोड़ी एग्जाम में कम आती है, बट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन जो बड़ी न्यूज है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रेस्ट नॉट ऑल। ठीक है, प्रोजेक्ट वेव वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस विच वॉज इनिशिएटेड इन जैन 2022। और ये न्यूज भी मैंने आपके लिए इसीलिए शेयर करी है क्योंकि ये NECL के साथ करी जा रही है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड जो सरकारी है, तो उसके साथ आपके इंडियन बैंक का एक डिजिटल सर्विस प्रोजेक्ट लेकर आया गया। बस इतना बेसिक पता हो आपको। ओके, अगली न्यूज की तरफ, प्रोजेक्ट वेव इंडियन बैंक। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट बैंक टू रोल आउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। अब आप बोल रहे हो सर बैंक की न्यूज क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बजट के इंट्रोड्यूस करी गई है। अब सिंस स्कीम और बजट और ऊपर से महिलाओं की बात करी जा रही है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, और ये पहला बैंक है जिसने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट निकाला है। बट उससे पहले हमको ये समझना होगा कि महिला सम्मान सर्टिफिकेट है क्या। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट कब इंट्रोड्यूस करा गया, 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि इस साल, इन द पोस्ट ऑफिसेस एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5% पर एनम। ओके, तो महिला सम्मान सर्टिफिकेट इज अवेलेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इन पोस्ट ऑफिस। महिला सम्मान सर्टिफिकेट स्कीम वॉज, सॉरी नॉट बजट, इट वॉज अनाउंस्ड ऑन आजादी का महोत्सव। स्कीम वॉज अनाउंस टू कॉमेमोरेट द आजादी का अमृत महोत्सव, एंड दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसका सबसे पहला सर्टिफिकेट निकाला है बैंक ऑफ इंडिया, तो इट बिकेम द फर्स्ट बैंक टू ऑफिशियली रोल आउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। तो दिस इज रिलेटेड टू गर्ल्स एंड बेसिकली वुमेन। क्लियर। अगला है HDFC बैंक्स बिकम फर्स्ट टू ऑफर इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन CBDC एंड UPI। इसमें दो चीजों की बात करी गई है, एक तो HDFC का फुल फॉर्म ध्यान रखो, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि प्राइवेट बैंक के अंदर, प्राइवेट लेंडर में इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन होगा, वो होगा आपका HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर इन इंडिया। इन्होंने अपना UPI QR कोड निकाला, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्विक रिस्पॉन्स कोड, इंटरऑपरेबल विद इंडिया सॉवरेन डिजिटल करेंसी, और यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की। और ये वाला CBDC हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, CBDC, और CBDC की बात किसने करी है, RBI ने। आपको मुझे ये बताना है कि CBDC क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज CBDC, व्हाट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसको बोलते हैं बताओ, व्हाट इज CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। The largest private sector in India launched UPI QR code, unified payment interface, quick response code, interoperable with India's sovereign digital currency, जिसकी बात करी गई है RBI के through. With this, HDFC Bank become the first bank in the country to complete the integration process between UPI payment system and digital currency. यानी कि CBDC और जो HDFC का UPI है उनको जोड़ दिया गया है। That is what UPI interface through the HDFC and CBDC के बीच के अंदर लिंकिंग क्रिएट कर दी गई है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल इश्यूज करेंसी, नो आइडिया, कोई नहीं, चलो हम पढ़ लेंगे। तो व्हाट इज CBDC, या जिसको हम नेशनल डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC और नेशनल डिजिटल करेंसी इज सिंपली द डिजिटल फॉर्म ऑफ कंट्रीज फियाट करेंसी।
अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो फियाट करेंसी क्या है, जैसे आपका नोट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 2000 रुपीज का नोट है, इसकी 2000 रुपीज वैल्यू इसलिए है क्योंकि सरकार इसको 2000 रुपए का नोट बोलती है। ओके, अब अगर इस 2000 रुपए की वैल्यू को हम बोले कि ये 2000 रुपए का जो आपका है इसको सरकार बैकिंग ना दे, तो क्या उस पन्ने की, वो जो पेपर की कॉस्ट 2000 रुपए रहेगी? यानी कि वो जो 2000, जैसे कि 1000 और 500 रुपए को डीमोनेटाइज कर दिया गया, तो वो जो कागज का टुकड़ा था, क्या उसकी 1000 या 500 रुपए उसकी कोई वैल्यू रहेगी? उसकी कुछ वैल्यू होगी, यू नो 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, उस पेपर की वैल्यू कर रहा हूँ, सिर्फ उस पेपर की वैल्यू, उस पेपर की क्या वैल्यू रहेगी? बताओ बताओ बताओ, उस पेपर की वैल्यू रहेगी? अरे राइट इन कमेंट सेक्शन, एग्जैक्टली, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो ये जो फिएट करेंसी होती है इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। बट अगर आप गोल्ड लेते हो, इफ यू टेक गोल्ड, अगर आप गोल्ड लोगे तो गोल्ड की तो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, गोल्ड की वैल्यू है आपके, फॉर एग्जाम्पल किसी भी मेटल की कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। बट इन दिस फेक फिएट करेंसी जो आपकी नोट है, इसकी वैल्यू इसीलिए है बिकॉज इसको सरकार की बैकिंग मिली हुई है और सरकार इसको लेजिटिमेट और ऑथेंटिकेट करता है, अदरवाइज उस नोट की कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम बोलते हैं फिएट करेंसी। ओके, और ये जो डिजिटल करेंसी होगी वो भी कंट्री की फिएट करेंसी जैसी ही होगी, बस वो डिजिटल फॉर्मेट में होगी। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग पेपर करेंसी और मिंटिंग कॉइन्स, सेंट्रल बैंक इश्यूज इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स इशू करेगा। द टोकन वैल्यू इज बैक्ड बाय द फुल फेथ एंड क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट। और इस टोकन को जब इंट्रोड्यूस करा जाएगा, गवर्नमेंट इसको बैकिंग दे देगी, बैकिंग दे देगी, तो आप इस करेंसी को नोट जिस तरीके से यूज करते उसी तरीके से डिजिटली आप इनको भी यूज कर पाओगे। सर अगर पेपर की वैल्यू नहीं रहेगी तो नोट कैसे चलेगी? वही सोनी, नहीं नहीं तुम समझी नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या कह रहा हूँ। ओके, मान लिया जाए ये पेज है, ठीक है, मान लिया जाए ये पेज है और इस पेज की वैल्यू 2000 रुपए है। 2000 रुपए की वैल्यू हटा दी गई तो अभी जीरो का बन गया। बट कोई मुझसे बोलता है, ठीक है सर ये आपका ना पेपर, इसको मैं लिखने के लिए यूज कर लूंगा, मैं आपको इसके 25 पैसे दे दूंगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 पेज है, कुछ 1-2 रुपए दे देगा मुझको इन पेजेस की, तो इसकी 25 पैसे इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। तो इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करो, 2000 रुपए के नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या ही होगी अगर उस पर 2000, तो इस करेंसी की जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ना के बराबर या कुछ है ही नहीं, वो आपकी फियाट करेंसी हो जाती है। और अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है तो जैसे गोल्ड हो गया, क्लियर, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो यही जो मैंने आपसे फिएट करेंसी की बात करी, तो इसका बेसिकली इसमें कंसेप्ट क्या है, एक सेकंड मैं एक चीज लाके दिखाता हूँ आपको, तो इसको समझते हैं। अब जैसे तुम्हें 100 रुपए देख रहे हो, ठीक है, तुमको 100 रुपए दिख रहा होगा, ये 100 रुपए दिख रहा है, ये है, इसको बोलते हैं फिएट करेंसी। यानी कि ये 100 रुपए, इसलिए इसकी जो ये वैल्यू है 100 रुपए, ये लीगल वैल्यू है ना, इसकी लीगल वैल्यू, इसको लीगल वैल्यू बोला गया जो सरकार दे रही है कि भैया इस कागज के ऊपर आप 100 रुपए की चीज ले सकते हो। तो कल को अगर मैं बोलूं कि ये जो 100 रुपए का नोट है ये इनवैलिड है, डीमोनेटाइज हो गया, तो इस कागज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 100 रुपए का सामान तो आएगा नहीं, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब कल को मान लीजिए मैं कमोडिटी बेस्ड मनी बनाई कि ये 100 जो है ये गोल्ड का है, ठीक है, तो अब सरकार गोल्ड के ऊपर लेजिटिमाइज करे, ऑथेंटिकेट करे ना करे, गोल्ड की तो हर समय वैल्यू रहेगी ना, तो वो आपकी कमोडिटी मनी हो जाएगी और ये आपकी फिएट करेंसी हो जाएगी और वो कमोडिटी करेंसी है। क्लियर हुआ? कमोडिटी मतलब जैसे मेटल बेस्ड हो गया, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, लाइव एग्जांपल से बताया, अब क्लियर हो गया ना, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, तो ये आपका है सीबीडीसी और नेशनल। अगली है ईआईबी कमिट्स 1 बिलियन यूरो लोन टू सपोर्ट इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, दिस इज योर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर $1 बिलियन की कमिटमेंट। सो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इज सेट टू सपोर्ट इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद अ सब्सटेंशियल लोन ऑफ अप टू 1 बिलियन यूरो टू बूस्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ईआईबी एम्स टू बूस्ट इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशन बाय सपोर्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली इंडिया का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके अंदर पैसे लगाने की बात है, जहां पर ऑब्वियसली ये पैसा लगा रहा है तो इवेंचुअली फ्यूचर में कुछ कमाई भी होगी, तो लोन देने की बात है, लोन पे तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा और इंडिया इज अ बूमिंग इकोनॉमी, एनर्जी जनरेशन एनर्जी स्टोरेज आप देखिए, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें क्रिएट हो रही है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विल ऑल्सो बी मेड। उसके बाद व्हाट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे ऊपर कि भैया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। तो ऑन 4th जनवरी 2023
यूनियन कैबिनेट अप्रूव नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद एन आउटले ऑफ 19,744 करोड़ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2003 टू 2024 एंड 2029 टू 2930, यानी 2023 से लेकर 2030 तक का मिशन है आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। The overarching active of the mission is to make India a global hub for producing, usage, export of green hydrogen and its derivatives. तो इतना पैसा लगाया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा, और फोकस क्या है? एनर्जी जनरेशन पर है। अगर आप इसमें पीछे जाए इस वाली स्लाइड के अंदर, एनर्जी जनरेशन, एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, पावर, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वुड बी स्पेंट ऑन दिस। अब एनर्जी जनरेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगी, कितने सारे जॉब्स क्रिएट करे जाएंगे, टैक्सेस कलेक्ट करी जाएंगी, तो इट बिकम्स अ ह्यूज बूमिंग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वंडरफुल न्यूज है ये हमारे लिए कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इतना पैसा डालेगा। वो पैसा इसीलिए डाल रहा है ना, स्टडी कर आया होगा वो अपनी कि भैया यहाँ पर पैसे लगाऊंगा, पाकिस्तान में तो पैसे लगाएगा नहीं हो, कि यहाँ पैसे लगाऊंगा और यहाँ से इवेंचुअली इंटरेस्ट में और फाइनली पैसे में खूब सारे पैसे कमाए भी जाएंगे। ओके, मिशन कब स्टार्ट हुआ? 4 जनवरी 2023 को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके अंदर फोकस है प्रोडक्शन, यूसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि ग्रीन तरीके से, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अगली न्यूज है टाटा एआई रेवोल्यूशनराइजेस इंश्योरेंस पेमेंट विद व्हाट्सएप एंड यूपीआई इंटीग्रेशन। ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बेसिकली बस इतना ध्यान रख लो, टाटा एआई जो लाइफ इंश्योरेंस आम है टाटा ग्रुप का, उन्होंने व्हाट्सएप और यूपीआई इंटीग्रेशन कर लिया है, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गूगल पे इंट्रोड्यूस्ड यूपीआई लाइट टू बूस्ट स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो यूपीआई जो है आपका, गूगल पे इंट्रोड्यूस्ड यूनिफाइड पेमेंट लाइट पेमेंट है, तो जीपे के ऊपर भी आप देख सकते हो। तो दीज आर जस्ट वन लाइनर इन्फॉर्मेशन की मैंने कवर कर लिए, कुछ वन लाइनर ना छूटे। फीचर टू अलाउ यूजर टू मेक स्मॉल पेमेंट विदाउट एंटरिंग द यूपीआई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लॉन्चिंग एचडीएफसी चैरिटी फंड फॉर कैंसर क्योर। यह सिर्फ मैंने इसलिए डाला है बिकॉज सरकार का फोकस मेंटल हेल्थ पे बहुत है, डिप्रेशन पे बहुत है, एंजाइटी पे बहुत है। ऐसे हमने वो कश्मीर वाली न्यूज देखी थी, टेलीमानस वाली, इसी तरीके से कैंसर इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वेरी नियर टू दिस सरकार, तो इसीलिए इस न्यूज को डाला गया है। ओके, आज थोड़े स्टूडेंट्स कम है ना, कहाँ पर हैं आपके सारे मित्रगण, कहाँ पर हैं? अभी से थक गए हैं, बताओ कहाँ है मित्रगण? ठीक है, तो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज थी गूगल पे वाली आपकी, गूगल पे इंट्रोड्यूस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑन डिवाइस वॉलेट फीचर टू अलाउ यूजर्स टू मेक स्मॉल पेमेंट्स विदाउट एंटरिंग द यूपीआई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो ये गूगल की थी, बस थोड़ा आपको बताने के लिए था। उसके बाद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हमने करा था। अगली इंपॉर्टेंट है रेजर पे लॉन्चेस मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। अब ये न्यूज दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपने रेजर पे आप देखा है, कहीं पर भी पेमेंट कर रहे होते हो ऑनलाइन, तो आप ज्यादातर जो इंटरफेस यूज कर रहे हो आप रेजर पे यूज कर रहे हो। रेजर पे क्यों इंपॉर्टेंट है? Why रेजर पे इज इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल रेजर पे इज इंडियन कंपनी है, वो एक इंडियन कंपनी है, एक इंडियन बंदे ने स्टार्ट करी हुई है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो रेजर पे एक इंडियन कंपनी है जो एक आईआईटी ग्रेजुएट ने स्टार्ट करी हुई है। ओके, सो रेजर पे फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। कभी भी फुल फॉर्म पूछा जाए फिनटेक का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट बिल्ड स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल एंड मिड साइज एक्सपोर्टर्स बाय ऑफरिंग अप टू 50% सेविंग्स ऑन इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स। द फैसिलिटी अलाउज एक्सपोर्टर्स टू ओपन एन अकाउंट इन एनी कंट्री ऑफ देयर चॉइस। आप किसी भी कंट्री के अंदर अपना अकाउंट बना सकते हो, और ये बेसिकली एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि उनको मल्टीनेशनल मतलब दुनिया भर की कंट्रीज के अंदर डील करना पड़ता है। तो जितने भी आपके स्मॉल और मिड साइज एक्सपोर्टर्स है, बड़े एक्सपोर्टर्स की बात नहीं करो, जो बेसिकली एमएसएमई लेवल पर आते हैं, 50 एक्सपोर्टर्स बाय ऑफरिंग अप टू 50% सेविंग्स ऑन इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर जो आप करते हो, उसके अंदर आप इस पैसे को बचा पाओगे, 50% तक की आपकी सेविंग होगी। और ये कौन ऑफर कर रहा है? रेजर पे। अगर आप देखते हो रेजर प्ले गेम्स टू सेव 50% ऑन इंटरनेशनल, अगर आप देखते हो जैसे कि आप कोई फाइनल पेमेंट करने देने जाते हो, तो वो रेजर पे अपने 50 रुपए, 100 रुपए इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस के साथ इसको काट लेता है। वो रेजर पे का जो पैसा कटता है वो रेजर पे को जाता होगा। आपने बहुत सारी जगहों पे करा होगा मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब रेजर पे क्या है? इट इज अ इंडिया बेस्ड फिनटेक कंपनी, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, प्रोवाइड्स
पेमेंट गेटवे सर्विसेज। कभी भी पूछा जाए रेजर पे क्या है, तो इट इज अ पेमेंट गेटवे सर्विसेज। आपने देखा होगा कि काफी सारे गेटवे सर्विसेज होती है, उसी में से एक इंपॉर्टेंट जो है वो आपका रेजर पे है। इट इज एन ऑनलाइन सिस्टम दैट इज डिजाइन टू हैंडल एंड टू एंड पेमेंट्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह की पेमेंट को जो जोड़ता है, एंड टू एंड पेमेंट्स करवाता है आपकी, एंड टू एंड पेमेंट्स दैट कैन आल्सो बी इंटीग्रेटेड विद डिफरेंट वेबसाइट एंड ऐप। द कंपनी वाज फाउंडेड बाय आईआईटी रुड़की एलुमनाई शशांक कुमार हर्षिल माथुर इन 2014। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर इंडिया। ओके, आफ्टर योर क्लास दिव्या मैम सेड नो क्लास फॉर इंग्लिश टुडे, इंग्लिश कॉल विल बी रिज्यूम टुमारो। सर फ्रॉम 4:45 नथिंग इज विजिबल ऑन स्क्रीन, आई हैव रिफ्रेश्ड 3-4 टाइम्स, काइंडली रिफ्रेश फ्रॉम योर साइड। सूरज, ये सिर्फ तुम्हारे टाइम पे प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सबको विजिबल था। 4:45 कैसे हो सकता है, लास्ट के 5-10 मिनट में प्रॉब्लम हुई थी। ये सूरज कुमार मिश्रा की प्रॉब्लम है, आप दोबारा से आपके अंदर देखो, बाकी सबको विजिबल था राइट। 4:30 को जब मेरी क्लास थी उसका, ये तो मेरी ऑडियो जब बंद हुई तब विजिबल नहीं था राइट। एवरीवन, आई वाज विजिबल टिल द, जब तक मेरा ऑडियो वाला प्रॉब्लम नहीं आया था तब तक तो मैं विजिबल था ना आपको। तो आप इसको दोबारा से रिकॉर्डिंग के अंदर देख लेना। हाँ, देख लो, यहाँ पर पोर्टनोरू बोल रहा है, सोनी नंदा बोल रहे हैं, इट वॉज विजिबल। आप ऊपर की सारी चार्ट भी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, लास्ट के 10 मिनट्स के अंदर मैं विजिबल नहीं था। यस सर, यू आर विजिबल, विजिबल भी था, ऑडियो भी क्लियर था, ये प्रॉब्लम तो अभी आई है। ओके, सो मूविंग ऑन टू दिस, अगली HDFC बैंक क्रॉस्ड $100 बिलियन वैल्यूएशन, बिकम्स वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट लेंडर, दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लेंडर, लेंड मतलब पैसे देना, लेंड करने वाला। और अभी अभी हमने न्यूज पढ़ी थी, दुनिया का हाईएस्ट, मतलब दुनिया नहीं, इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक कौन सा है, इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक, पैसे देने वाला बैंक कौन सा है बताओ इंडिया का। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज HDFC बैंक। HDFC बैंक ही है आपका जो इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है। एंड HDFC बैंक हैज क्रॉस्ड $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन MCAP एंड ट्रेडेड एट मार्केट वैल्यू ऑफ अराउंड $152 बिलियन। और इसमें लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि MCAP किसको बोलते हैं, और यही क्वेश्चन आ जाएगा पेपर के अंदर, व्हाट डू यू कॉल MCAP, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है। अभी आपने कहा था बिल्कुल HDFC। ओके, तो ये वाली न्यूज थी ना, अभी हमने पढ़ी थी, ये था हाउसिंग, HDFC बैंक द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर इन इंडिया, ये वाली न्यूज की बात कर रहा था मैं। तो मूविंग ऑन टू दिस नाउ, विद दिस HDFC बैंक हैज इमर्ज्ड वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट लेंडर, मूविंग अहेड ऑफ बैंक ऑफ चाइना एंड मॉर्गन स्टैनले एंड गोल्डमैन सैक्स। HDFC बैंक हैज एंटरिंग द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप 10 बैंक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। JP Morgan चेस, जिसकी वैल्यू है $438 बिलियन, टॉप्स द लिस्ट, फॉलोड बाय बैंक ऑफ अमेरिका एट सेकंड एंड ICBC एट थर्ड। जिस तरीके से HDFC 7वें नंबर पर आता है, नंबर 1 पर आता है JP Morgan चेस, उसके बाद नंबर 2 पर आता है बैंक ऑफ अमेरिका, और तीसरे नंबर पर आता है ICBC। और इनकी वैल्यूज देखे, $438 बिलियन MCAP, $232 बिलियन और इसकी $224 बिलियन, तो ह्यूज वैल्यू। और अगर आप बात करेंगे HDFC की, इट इज बीइंग ट्रेडेड एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ $152 बिलियन, तो वेरी प्राउड मूवमेंट एंड वेरी गुड मूवमेंट फॉर बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। अब क्वेश्चन निकल कर आता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू ऑफ अ कंपनी दैट इज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक मार्केट कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बाय प्रेजेंट शेयर प्राइस, यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे बाय द प्रेजेंट प्राइस ऑफ शेयर, तो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकल आती है। और अगर हम HDFC के केस में देखें, इट इज, उसकी मार्केट वैल्यू इज अराउंड $152 बिलियन। समझ में आया है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बाय उसके प्रेजेंट शेयर की, आज उसके शेयर की वैल्यू कितनी है, यानी अगर शेयर की वैल्यू घटती है या बढ़ती है तो MCAP भी चेंज होगा। अगर शेयर की वैल्यू आज 10 रुपए है और कल को वो 100 रुपए हो जाए तो MCAP बढ़ जाएगा, और शेयर की वैल्यू आज 100 रुपए है
और कल को वो 10 रुपए हो जाए तो शेयर ये आपकी एम कैप वैल्यू भी गिर जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन योर प्रेजेंट शेयर प्राइस। क्लियर एवरीवन? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, INS कृपाण। अब हमारे डिफेंस की इंपॉर्टेंट न्यूज। सो इन अ हिस्टोरिक मूव इंडिया इज एम्बार्क्ड ऑन अ सिग्निफिकेंट जर्नी। इन्होंने INS कृपाण गिफ्ट कराए वियतनाम को। और अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, जियो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, दिस इज द वंडरफुल स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज बेस्टोड अ फुली ऑपरेशनल कॉर्बिट अपॉन अ फ्रेंडली फॉरेन कंट्री। सो दे हैव गिफ्टेड इन सर्विस मिसाइल कॉर्बिट INS कृपाण टू वियतनाम। और इससे इंडिया वियतनाम के बीच में दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। एंड वियतनाम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पर अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग काफी सारी होती है और जो चाइना से काफी सारी कंपनीज मूव करी, मोस्ट ऑफ देम वेंट टू वियतनाम कंपेयर्ड टू इंडिया बिकॉज ऑफ चीप लेबर मेनी अदर थिंग्स। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि वियतनाम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ काउंटरिंग चाइना। ओके, एंड वियतनाम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, इतनी कंपनीज वहां पर गई तो डेफिनेटली वो मैन्युफैक्चरिंग करी है, तो दे आर डेफिनेटली गुड लर्निंग लेसन फॉर इंडिया ऑल्सो फ्रॉम वियतनाम। द ट्रांसफर ऑफ INS कृपाण अलाइंस विद इंडिया विजन ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इसलिए सागर का पूछा फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, वासुदेव कुटुंबकम पूछा जा सकता है। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है वर्ल्ड इज वन फैमिली एंड सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बट अगर हम चाइना की बात करें वो सिर्फ अपने रीजन की बात करेगी। उसके बाद इंडिया ट्राई सर्विसेज कंटिंजेंट इन फ्रेंच बेस्टाइल डे परेड। अभी आपने देखा होगा फ्रांस के अंदर जब परेड हुई थी तो हमारी रेजिमेंट वहां गई थी, पंजाब रेजिमेंट का बैंड वहां पर गया हुआ था। ओके, पंजाब रेजिमेंट का बैंड वहां पर था। ओके, इंडियन आर्मी मार्चेस ऑन शाम्स एलिस ड्यूरिंग बेस्टाइल डे परेड। ओके, और कंटेंजेंट 269 मेंबर्स का था। एंड पंजाब रेजिमेंट मार्च कर रही थी और राजपूताना राइफल्स का आपका रेजिमेंटल बैंड गया था। सो पंजाब कंटेंजेंट, पंजाब की जो आपकी पंजाब रेजिमेंट वॉज मार्चिंग और राजपूताना राइफल्स का आपका रेजिमेंट बैंड था। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, कहाँ गया? हाँ, एवरी ईयर ऑन 14th जुलाई फ्रांस कमेमोरेट्स एन इम्पोर्टेंट इवेंट नोन एज बेस्टाइल डे। अगर इसकी कोई प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में अलग है तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, ठीक है, सो माफ करिएगा उसके लिए। दिस डे होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन फ्रेंच हिस्ट्री एंड मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल इन 1789 ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और तब से इसको सेलिब्रेट करा जा रहा है। इन रीसेंट टाइम्स बेस्टाइल डे पे परेड होती है और यहाँ पर अलग अलग डिग्नेटरीज को बुलाया जाता है। इन फ्रांस हैज गेन्ड इंटरनेशनल अटेंशन एंड दिस ईयर इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज इन्वाइटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज विल बी प्राउडली रिप्रेजेंटेड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ट्राई बी रिप्रेजेंटेड बाय, जहां पर इंडियन आर्मी का कंटिंजेंट था, ट्राई सर्विसेज कंटिंजेंट ड्यूरिंग द परेड। तो अगर आप देख रहे हो हमारे कंटिंजेंट को आप देख सकते हो, आप पंजाब रेजिमेंट की यूनिट को भी देख सकते हो। तो कंटिंजेंट ऑफ 269 मेंबर्स फ्रॉम इंडियन आर्म्ड फोर्सेज अलॉन्ग साइड विद देयर फ्रेंच काउंटर पार्ट्स ड्यूरिंग द बेस्टाइल डे परेड जो आपने देखा। और कहां पर मार्च कर रहे थे ये? देवर मार्चिंग ऑन चैंप्स एलिसेज। अगर इसकी कुछ प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच में कुछ अलग है तो वो तो मुझे नहीं पता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मोदी जी गए होते, पंजाब रेजिमेंट थी आर्मी की तरफ से और राजपूताना राइफल रेजिमेंट का बैंड था। ओके, अगला इम्पोर्टेंट है सैल्विक्स 2023। सो इन अ रिमार्केबल डिस्प्ले ऑफ कोलैबोरेशन इंडियन नेवी और यूएस नेवी की आपकी एक्सरसाइज हुई। ओके, सो इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी रिसेंटली ज्वाइंट फोर्सेस फॉर द 7th एडिशन ऑफ इंडियन नेवी यूएस नेवी सैल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज नोन एज सैल्वेक्स। द वाइब्रेंट सिटी ऑफ कोची में एक्सरसाइज हुई। बैकड्रॉप फॉर द हाईली एंटिसिपेटेड सैल्वेक्स 2023 मार्क्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ नेवल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस फॉस्टरिंग एनहांस्ड इंटरऑपरेबिलिटी एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि जब अमेरिकन फोर्सेज हमारे पास आती है उनके काम करने का तरीका क्या है, जब वो हमारे साथ काम करती है उनको पता लगता है हमारे काम करने का तरीका है, तो एक दूसरे के काम करने के तरीके को सीखते हो। आपको ये भी पता लगता है कि जो अगर उनके काम करने का तरीका
हमारे प्रोसेस से बेटर है, सो यू कैन लर्न फ्रॉम इट एंड सिमिलरली दे कैन लर्न फ्रॉम अस. तो देन इन फ्यूचर अगर आप साथ में कोई ऑपरेशन करोगे, इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन द बोथ फोर्सेस इज वेरी हाई, बिकॉज आपको उनका वर्किंग स्टाइल पता है और उनको आपका वर्किंग स्टाइल पता है, और इसकी वजह से ऑपरेशन और भी ज्यादा स्मूथ होंगे. क्लियर एवरीवन? अरे रेजिमेंट बैंड नहीं देखा है तुमने? वो जो बैंड कभी तुम यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट होती है, रिपब्लिक डे के बाद बीटिंग रिट्रीट होती है, आर्मी वगैरह के बैंड होते हैं, तो बैंड बजाते हैं, हर एक रेजिमेंट का एक बैंड होता है. आई थिंक यू आर नॉट अवेयर अबाउट आर्मी. कौन है प्रशांत? तुमने सीडीएस इंडिया का एग्जाम नहीं दिया क्या कभी तुम? या फिर तुमने आर्मी यूनिट्स को देखा है? आर्मी यूनिट्स के पीछे उनके बैंड भी होते हैं. तो ये राजपुताना राइफल्स का बैंड होता है, फौजी यूनिट्स में उनके बैंड्स होते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग इवेंट्स के अंदर उनको लाया जाता है, दे रिप्रेजेंटेड. ओके, तो सैल्विक्स 2023 मार्क्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर बिटवीन यूएस एंड इंडियन नेवी. हाँ, म्यूजिशियंस एक तरीके से. हाँ, रेजिमेंटल बैंड का मतलब वो देखा होगा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, ड्रम्स को बजाते हैं. अगर रिपब्लिक डे के बाद जब बीटिंग रिट्रीट होती है तो उसके अंदर विच हैपेंस नियर दी राष्ट्रपति भवन के पास में हो रही होती है, अगर आपने देखी है तो इट्स अ वंडरफुल इवेंट. ओके, चलो अब तुमने इतना बोल दिया तो दिखाई देता हूँ. ये देखा, देखो ये होता है बैंड, ये दिख रहा है? आई होप अब तुमको क्लियर होगा. राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट बैंड इज अकंपनाइंग द मार्चिंग कंटिजेंट. इट इज द सीनियर मोस्ट राइफल रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, टुक पार्ट इन बोथ वर्ल्ड वॉर्स. एक और फैक्ट पता लग गया. तो राजपुताना राइफल सीनियर मोस्ट राइफल रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, जिसने दोनों विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में भी पार्टिसिपेट करा है. तो एक अच्छा फैक्ट पता लग गया. अब तो क्लियर है सबको, ठीक है? चलो अब इसके बाद अगला है ट्रायल सर्विसेज नारी शक्तिकरण वुमेन मोटरसाइकिल रैली. तो इन रिमार्केबल ट्रिब्यूट टू द कॉमेमोरेट 24 इयर्स ऑफ विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द कारगिल वॉर ऑफ 1999, इंडियन आर्मी लॉन्च ट्रायल सर्विसेज नारी शक्तिकरण वुमेन मोटरसाइकिल रैली. दिस रैली नॉट ओनली सेलिब्रेट्स द हिस्ट्री ट्रायंफ बट ऑल्सो शाइन्स द लाइट ऑन द स्पिरिट ऑफ द वुमेन. तो महिलाओं के सशक्तिकरण पे करा गया इसको, तो नारी सशक्तिकरण वुमेन मोटरसाइकिल रैली लॉन्च करी गई 24 इयर्स विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन दी कारगिल वॉर. तो फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन ऑन एडवांस एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी. अभी आपने देखा ही था कि मोदी जी फ्रांस गए हुए थे किस चीज के लिए, परेड के लिए. तो फ्रांस के साथ भी काफी मित्रता बढ़ी है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने वियतनाम की बात करी थी. सो इंडिया एंड फ्रांस हैव एम्बार्क्ड ऑन अ ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन ऑन एडवांस्ड एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी. अब ये तो हमको सबको पता है कि रफाल की बात होती है, रफाल हमने उनसे लिया उस टेक्नोलॉजी की. अब बात हो रही है हेलीकॉप्टर्स के अंदर. ओके, तो जॉइंट डेवलपमेंट एम्स टू एनहांस द डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ कंट्रीज, पर्टिकुलरली इन एरियाज ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड इंजन्स फॉर द इंडिया मल्टी रोल हेलीकॉप्टर. अब बहुत ज्यादा फोकस आपके IMRH पे है, इंडिया मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के ऊपर टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है. कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन्स तो है ही है. द अनाउंसमेंट मेड वॉज ड्यूरिंग PM मोदीज विजिट टू पैरिस एंड इट मार्क्स सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द डिफेंस पार्टनरशिप बिटवीन द टू नेशन. तो अगर आप अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, इसराइल की बात करें, यहां पर हमारा डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है. अगर आप लास्ट 10-15 इयर्स देंगे, 20 इयर्स देंगे, रशिया के साथ तो रहा है ये बहुत पहले से, बट अब इन कंट्रीज के साथ भी बहुत ज्यादा बढ़ा है. ओके, अगली न्यूज है 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड DG राकेश पाल आपके 25वें डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के. अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड एक पैरा मिलिट्री फोर्स है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इंडियन कोस्ट गार्ड पैरा मिलिट्री फोर्स नहीं है. इंडियन कोस्ट गार्ड इज ए आर्म्ड फोर्स. वो भारत की आर्म्ड फोर्सेज में से एक है. अगर आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके पता पढ़ेंगे तो वो लिखा हुआ है दैट इट इज एन आर्म्ड फोर्स. एंड यू नीड टू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन डिफेंस फोर्सेज एंड आर्म्ड फोर्सेज. डिफेंस फोर्सेज हमारी तीन ही है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. आर्म्ड फोर्सेज एक बहुत बड़ा एम्ब्रेला होता है. ओके, तो इंडियन कोस्ट गार्ड इज योर आर्म्ड. तो DG राकेश पाल हैज अस्यूम्ड द पोजीशन ऑफ 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ब्रिंगिंग अलोंग अ वास्ट रिजर्वॉयर ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी. तो ये आपके बने हैं 25वें डायरेक्टर जनरल. उसके बाद है ऑपरेशन सदर्न रेडनेस 2023, जो इंडियन नेवल शिप सुनायना, एकदम ये ऐसा लग रहा है वो आजकल के बच्चों के जो नाम होते हैं, INS सुनायना एंड इंडियन नेवल शिप रिसेंटली विजिटेड सेचल्स एज पार्ट ऑफ द मल्टीनेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज नोन एज ऑपरेशन सदर्न रेडनेस 2023. एक्सरसाइज किसने कंडक्ट बॉय कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेज एम टू एनहांस कोऑपरेशन एंड काउंटरिंग पायरेसी. बेसिकली पायरेसी को अगर आप ये कीनिया वगैरह के, अगर आप अफ्रीका के इलाकों की तरफ जाए तो ये बीच में जो ओशन पड़ेगा, इंडियन ओशन की लेफ्ट की तरफ आप मूव करें, पैसिफिक की तरफ आप मूव करना स्टार्ट करें, इंडियन ओशन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर पायरेसी बहुत होती है. खासकर जो सोमालिया का, सोमालिया के एंगल से अगर आप देखेंगे, सोमालिया के राइट
राइट साइड पर आप देखेंगे, तो इसको टैकल करने के लिए इंडियन नेवी इस पर ऑलरेडी बहुत सारी एक्सरसाइज करती हुई रहती है. ओके, सो एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस एम टू एनहांस कोऑपरेशन एंड काउंटर पायरेसी वाइल इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द रीजन. अब ये जो मतलब है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये बेसिकली चाइना को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि चाइना बोलता है अगर ओशन पे नाम मेरा है तो ओशन ही मेरा, और जिस तरीके से वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स एक के बाद एक क्रिएट करता जा रहा है ताकि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दूसरी कंट्रीज को हड़प सके, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द रीजन रहे, कि चाहे भैया हर कंट्री वहां से अपने जहाज को ले जा सके और अपना बिजनेस धंधा कर सके. क्लियर सर? डीजी राकेश पाल इज द फर्स्ट गनर ऑफ आईसीजी. थैंक यू अर्चिस्मान. सर गिव एग्जाम्पल ऑफ अदर आर्म्ड फोर्सेस. अदर आर्म्ड फोर्सेस सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स. बताओ लिखकर आ रहा है सीएपीएफ में, पढ़ा नहीं है कभी आपने सीएपीएफ के एग्जाम में क्या लिखते हैं? सीएपीएफ आर्म्ड फोर्सेस आ गया वर्ड इसमें, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स. पैरामिलिट्री फोर्सेस कितनी है इंडिया में? दो ही पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं आपकी, एसएफएफ और असम राइफल्स. असम राइफल्स एंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, दीज आर द ओनली टू फोर्सेस जिनको पैरामिलिट्री फोर्स बोला जाता है. फिर आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस के एग्जांपल सीएपीएफ बन जाते हैं. कितनी सीएपीएफ है? बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल. तो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी. ओके, दीज आर योर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ फोर्सेस बन जाते हैं, जिसके लिए यूपीएससी एसी का एग्जाम लेती है. ओके, तो आई होप आपको मेरा पॉइंट क्लियर होगा. आर्म्ड फोर्सेस एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, आर्म्ड फोर्सेस. ओके, उसके बाद मिलिट बेस्ड मेन्यू फॉर आर्म्ड फोर्सेस. तो अब फोर्सेस को भी न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट पर हो गया कि मिलिट बेस्ड. ओके, मिलिट को क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ? व्हाट इज मिलिट कॉल्ड इन हिंदी? बताओ. हाँ बिल्कुल सही बताया इसने, पोटन और बाजरा हो गया, जौ हो गया. आपका जो न्यूट्रिशन डाइट है आपका, उसको मिलेट. बाजरा इज एन एग्जांपल. सो इन ए प्रोग्रेसिव मूव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग हेल्दी फूड प्रैक्टिसेस अमंग द डिफेंस पर्सनल. ओके, द मिनिस्ट्री हैज साइंड अ एमओयू विद द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिलेट बेस्ड मेन्यू इन द मेसेस, कैंटीन्स एंड अदर फूड आउटलेट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. बेसिकली पौष्टिक और न्यूट्रिशियस खाना खिलाया जाए फौज को, तो मिलेट बेस्ड जो आपका बाजरा बेस्ड फॉर एग्जाम्पल जो डाइट होगा उसको इंट्रोड्यूस करा जाएगा. अगला इंपॉर्टेंट है नोमैडिक एलिफेंट 2023 एक्सरसाइज जो हुई है भारत और मंगोलिया के बीच के अंदर, और ये पहली बार नहीं हो रही है, ये बेसिकली आपका 15वां एडिशन है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो. सो इंडियन आर्मी कंटिंजेंट एम्बार्क्ड ऑन अ सिग्निफिकेंट जर्नी टू मंगोलिया टू पार्टिसिपेट इन द 15th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड नोमैडिक एलिफेंट 2023. इस एनुअल ट्रेनिंग इवेंट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया एंड मंगोलिया टू एनहांस देयर मिलिट्री कोऑपरेशन, फॉस्टर बायलैटरल रिलेशन एंड स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी. अब मंगोलिया क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं, समझाता हूं मैं आपको मंगोलिया क्यों इंपॉर्टेंट है. मंगोलिया बैंड नहीं चाहिए भैया मुझे, मंगोलिया बैंड लिखकर, अरे कहाँ चला गया, बोल ही नहीं रहा. चलो तुम इसे, ये दिख रहा है तुमको यहाँ पर? अब यहाँ पर जो अगर हम देखेंगे, ये मंगोलिया कहाँ पर है? बीच में इंडिया यहाँ पर है. अब इसमें तो वो इंडिया वाला मैप वो वाला दिखा रखा है जिसमें इंडिया को काट रखा है. ये बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ गुड, ये अब देखो गो अवे ट्रैवल है. आप जरा इस एक्सरसाइज को देखो कि किस तरीके का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होना चाहिए हो रहा है. अभी हम भारत में ये रीजन काट दिया गया है, दुनिया भर की वेबसाइट्स के ऊपर इस तरीके का इंडिया मैप दिखाया जाता है. अब दुनिया भर के अंदर मैप्स को बहुत कंट्रोल कर रखा है चाइना ने. अगर ये इस तरीके का मैप्स आपको बहुत सारी इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर और YouTube चैनल नॉट ऑफ इंडिया ऑफ अब्रॉड इस तरीके का मैप दिखेगा जिसके अंदर ये भारत का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला कश्मीर है और अक्साई चीन का एरिया है वो गायब है. ये एक डेलिबरेट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जिसके अंदर लोगों को बार बार, वो बोलते हैं ना अगर आप 100 बार 1000 बार झूठ बोलने लगोगे तो झूठ भी सच लगने लग जाता है. अब ये मैप इतना ज्यादा सर्कुलेटेड है, इतना ज्यादा सर्कुलेटेड है इस तरीके के मैप कि लोगों को लगता है कि ये इलाका भारत का है ही नहीं. और कई बार इंडियन यूट्यूबर्स भी गलती करते हैं जब वो मैप्स ले लेते हैं एंड वो ध्यान नहीं देते हैं कि ये जान पूछ के काटा गया है. इस तरीके के मैप्स की सर्कुलेशन के पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज्यादा मैप्स इस तरीके के सर्कुलेट करे हुए हैं. एनीवेज मेरा पॉइंट आप लोगों से यहां पर ये है कि अगर मंगोलिया को देखें तो रशिया है और चाइना है. अगर मंगोलिया के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशनशिप होते कल को चाइना को काउंटर करने के लिए मंगोलिया हम यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से वियतनाम को यूज करा जा सकता है चाइना को काउंटर करने के लिए. एंड दैट इज व्हाई दिस रिलेशनशिप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. होपफुली आपको क्लियर होगा जो मैं बोल रहा हूं. नेबर्स ऑफ मंगोलिया रशिया एंड चाइना, बिल्कुल वही कह रहा था. लैंडलॉक कंट्री है मंगोलिया,
ठीक है, मंगोलिया कैन बी अ प्रेशर पॉइंट अगेंस्ट चाइना, वी कैन यूज इट एज अ फॉरेन मिलिट्री बेस, बिल्कुल रौनक, सबको वो वाला पॉइंट समझ में आया, वो मैप का किस तरीके से इन्फॉर्मेशन, आप इंडिया का मैप डालोगे ना, मैक्सिमम मैप आपको वर्ल्ड, अगर आप वर्ल्ड मैप डालोगे उसके अंदर इंडिया का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन है वो पीओके, वो बेसिकली पाकिस्तान और चाइना का ही पार्ट बनाया रखा है। आप सोचो पाकिस्तान तो इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पूरी दुनिया में करने के लिए इनकेपेबल है, तो किसी ने तो उसकी हेल्प करी है। ओके, सो ये 15th एडिशन था ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड नोमैडिक एलिफेंट, द एनुअल ट्रेनिंग इवेंट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन एंड मंगोलिया टू एनहांस देयर मिलिट्री कोऑपरेशन, फॉस्टर बायलैटरल रिलेशन एंड स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी। तो जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट करा था आपकी इन दी नोमैडिक एलिफेंट 2023 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वॉज कहां पर हुई थी, उलान बटार के अंदर हुई, उलान बटार 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच, और फोकस क्या था एक्सरसाइज का, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन माउंटेनियस टेरेन अंडर यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। ओके, तो व्हाट वाज द फोकस, फोकस वाज काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन माउंटेनियस टेरेन अंडर यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। तो कंटिन्यू करते हैं, हम जुलाई के करंट अफेयर्स कर रहे थे, वी वर डूइंग जुलाई 2023 करंट अफेयर्स, तो ये जुलाई के ही करंट अफेयर्स कंटिन्यूड है हमारे, टुडे इज द थर्ड क्लास फॉर दैट। ओके, सो कंटिन्यूइंग विद दैट, $3 billion स्टैंड बाय अरेंजमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड IMF। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने फिर से पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करी है, और एक कंट्री जिसके काफी आर्थिक हालात खराब है, पैसे देने की बात करी गई है। सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज रीच्ड अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड फॉर अ फंडिंग ऑफ $3 billion। द एग्रीमेंट इज पार्ट ऑफ अ 9-month स्टैंड बाय अरेंजमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। ओके, तो द एग्रीमेंट इज पार्ट ऑफ द 9-month स्टैंड बाय अरेंजमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट रहेगा पाकिस्तान और IMF के बीच में, और ये जो फैसिलिटी यूज करी जा रही है जिसके तहत ये दिया जाएगा, इसके अंदर पहले भी पाकिस्तान वॉज प्रीवियसली पार्ट ऑफ अ $6.5 billion IMF bailout अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी विच एक्सपायर्ड एट द एंड ऑफ जून दिस ईयर। तो जून के महीने तक उनके पास एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी, और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी बेसिकली जिन कंट्रीज जो डिफॉल्ट कर रही हैं या जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी ज्यादा वीक है, प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेस दैट रिक्वायर टाइम टू एड्रेस, बेसिकली जो जिनकी इकोनॉमी की, अगर मैं बहुत साधारण भाषा में बात करूं, जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक है, जिनके इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, बेसिकली जब खर्चा ज्यादा है और पैसे नहीं है, गरीबी है उनकी कंट्री के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यू है, उसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी देता है IMF कि आपको लंबे टाइम के अंदर रीपेमेंट करनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लोन दिया कि 1 crore rupees का, कि आप 2 महीनों में वापस करोगे, तो इनको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंदर कंट्री के हालात देखते हुए IMF आपको एक लंबा प्लान बनाता है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा और पैसे देने के लिए आपको ज्यादा टाइम देता है। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इनकी जून 2023 में खत्म हो गई, और अब इनको अंडर दी स्टैंड बाय अरेंजमेंट दे आर गिविंग $3 billion मनी टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को फिर से पैसा दिया जा रहा है। अब आप इससे सोच ही सकते हैं कि क्या हालत है पाकिस्तान की। तो जस्ट टू इंपॉर्टेंट फैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड IMF। ओके, उसके बाद अगली चीज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सांता फी फ्रॉग। अगर आप इस फ्रॉग को देखोगे, इफ यू सी दिस फ्रॉग, तो इसकी लेपर्ड प्रिंट स्क्रीन है, ठीक है, लेपर्ड की तरह प्रिंटिंग है इसकी स्किन पर। ओके, तो ये जो सांता फी फ्रॉग है आपका, सांता फी फ्रॉग, तो इसके ऊपर अर्जेंटीना साइंटिस्ट have embarked on a crucial mission to study and protect elusive Santa Fe frog known for its striking leopard print appearance. तो एग्जाम में आ सकता है कि जो सांता फे फ्रॉग है इसका अपीयरेंस किससे मिलता है, लेपर्ड स्किन से मिलता है। तो दिस यूनिक एम्फीबियन जो है कहां पे पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये पाया जाता है साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका में कहां पर, अर्जेंटीना में पाया जाता है, बोलिविया में पाया जाता है, और पैरागुए में पाया जाता है। साउथ अमेरिका में बोलिविया, पैरागुए एंड अर्जेंटीना। However, its existence is threatened क्योंकि deforestation बहुत ज्यादा हो रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, खासकर ग्रैंड चाको इलाकों में जहां पर इसको पाया जाता है। कौन सा इलाका, ग्रैंड चाको या ड्राई चाको, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रैंड चाको, ग्रैंड मतलब डी नहीं है, ग्रैंड चाको, ठीक है। तो ये जो ग्रैंड चाको इलाका है आपका, या ड्राई चाको, तो ग्रैंड चाको इज अ हॉट एंड सेमी एरिड लोलैंड नेचुरल रीजन ऑफ रियो डी प्लाटा। बेसिकली ये भी साउथ अमेरिका के अंदर, ये बेसन डिवाइडेड अमंग, ये देखो बोलिविया का इलाका हो गया, ब्रोलिविया का,
थोड़ा इलाका ब्राजील का आ जाएगा, अर्जेंटीना का आ जाएगा और पैराग्वे का आ जाएगा, जहां पर आपको ये फ्रॉग मिलता है। बट इस ड्राई चाको एरिया में अब काफी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है। ओके, उसके बाद हम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम फॉर इंडियन रेलवेज। टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम फॉर इंडियन रेलवेज, तो IIT खड़गपुर इसके ऊपर काम कर रहा है। आपको पता है कि उड़ीसा के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जहां पे सिग्नल्स को यूज करा गया था इधर उधर चीजें करने के लिए, और उसके ऊपर फिर इंक्वायरी बैठी थी। तो IIT खड़गपुर इज मेकिंग सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन इंश्योरिंग सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रेन ऑपरेटर्स फॉर इंडियन रेलवेज। ओके, और इसीलिए इसके ऊपर IIT खड़गपुर एक टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बना रहा है कि जो सिग्नल्स है उससे छेड़छाड़ ना करी जा सके, और इसके लिए वो कोशिश कर रहा है, रादर इट वॉन्ट्स टू डिप्लॉय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके लिए वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना चाहता है। अभी जो करंटली टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होता है आपका डेटा लॉगर सिस्टम। तो ये डेटा लॉगर सिस्टम जो है इसकी, ये इनएफिशिएंट सिस्टम है, पुराना सिस्टम है, इसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम है। जैसे इसके अंदर, इसको ब्लैक बॉक्स ऑफ रोलिंग स्टॉक बोलते हैं, हैज लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा के अंदर चेंजेस करी जा सकती है, लोग लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल है, लिमिटेड लोग एक्सेस कर सकते हैं, पुराना सिस्टम है, और इसको बोला जाता है ब्लैक बॉक्स ऑफ रोलिंग स्टॉक। ऐसे ब्लैक बॉक्स नहीं होता जिसके अंदर हम बोलते हैं प्लेन के अंदर होता है, इसी तरीके से ब्लैक बॉक्स ऑफ रोलिंग स्टॉक बोला जाता है, इसको डेटा लॉगर सिस्टम बोला जाता है। अब बात करी जा रही है कि इस डेटा लॉगर सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम से बदला जाए। तो बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रिसर्चर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IEEE स्ट्रीम आर डेवलपिंग अ टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम। अब ब्लॉकचेन को क्यों यूज करा जा रहा है, बिकॉज इट केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दैट कैनॉट बी टैम्पर्ड विद, हैक्ड और मैनिपुलेटेड। यानी कि अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम को यूज करा जाएगा तो इस सिग्नल सिस्टम को टैम्पर प्रूफ बना दिया जाएगा, इसको हैक नहीं करा जा सकता, इसको चेंज नहीं करा जा सकता। दैट इज वाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात कर रहा है IIT खड़गपुर फॉर टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम। हेलो एवरीवन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज इंडियाज फर्स्ट पिग स्कूल। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट पिग स्कूल जो बात करी जा रही है असम में आने की। ठीक है, इंडिया का पहला पिग स्कूल। ठीक है, तो पिग्स आर टेकिंग द स्पॉटलाइट इन असम्स बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR, एज बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल प्लान्स टू एस्टैब्लिश इंडिया का पहला पिग स्कूल, यानी सुअरों का स्कूल, पहले स्कूल की बात करी जा रही है, इंडिया का फर्स्ट पिग स्कूल। और ये कहां पर बात करी जा रही है, असम के BTR रीजन में, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंदर। द ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स एम्स टू बूस्ट रीजन इकोनॉमी एंड एनहांसेस पिग फार्मिंग प्रैक्टिस। जो पिग की फार्मिंग प्रैक्टिसेस है उनमें बेस्ट से बेस्ट रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी यूज करी जाए और इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। BTC ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, डेनिश कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक क्राफ्टमैनशिप DCAC एंड DLM लैम्बर्स लैंडबर्ग स्कूल एंड एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल बिजनेस टू इंप्लीमेंट दिस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट। यानी कि इंडिया का पहला स्कूल आने की बात कहां करी जा रही है, असम के अंदर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, बर्डन ऑफ डिजीज attributable to unsafe drinking water, sanitation and hygiene। 2019 की एक नई रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को किसने निकाला है, WHO ने, और WHO का फुल फॉर्म क्या है, World Health Organization। A new report title, burden of disease attributable to unsafe drinking water, sanitation and hygiene 2019 update। यानी कि वो बीमारियां जो खराब पानी पीने से होती है, सैनिटेशन से होती है कि आप सफाई वगैरह मेंटेन नहीं करते, सैनिटाइज नहीं करते, जैसे हम बोलते हैं ना सैनिटाइजर लगा लो कीटाणुओं को मारो, और हाइजीन कि आप साफ सफाई नहीं रखते, तो जो बेसिकली रिलेटेड है आपके अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, इसकी वजह से जो बीमारियां होती है उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। बर्डन ऑफ डिजीजेस यानी कि वो बीमारियां जो अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन की वजह से पनपती है। और इस रिपोर्ट को कौन लेकर आया है, इस रिपोर्ट को लेकर आया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है। इट शेड लाइट्स ऑन द अलार्मिंग नंबर ऑफ डेथ्स एंड द लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक वॉश।
कि इस वजह से कितनी ज्यादा डेथ्स बढ़ी हैं, पहली चीज, और कितने लोगों को साफ पीने का पानी, सैनिटेशन और हाइजीन एक्सेसिबल ही नहीं है। ये वर्ड का फुल फॉर्म याद कर लो, वॉश का जो वॉश से रिलेटेड है, वॉश क्या है, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस सर्विसेज वर्ल्ड वाइड जो लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती है जिससे बीमारियां बढ़ती है। सो अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और हाइजीन प्रैक्टिसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिवास्टेटिंग टोल कॉजिंग अप्रोक्सीमेटली 3,95,000 डेथ्स अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। तो आप देखिए, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और हाइजीन की वजह से 3,95,000 बच्चों की डेथ हुई है जो 5 साल से छोटे हैं। द टू लीडिंग इन्फेक्शियस कॉसेस ऑफ डेथ इन दिस वल्नरेबल एज ग्रुप आर, यानी 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं जिनको ये पीने के पानी की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, हाइजीन की प्रॉब्लम है, इससे दो मेजर बीमारियां पनपती हैं। एक है डायरिया की बीमारी और दूसरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, यानी कि सांस लेने के अंदर आपको दिक्कत आती है। तो डायरिया एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाते हैं जिससे ये मेजर 3,95,000 डेथ्स आकर हुई है। और इनके ये किसलिए आती है ये बीमारियां, बिकॉज ऑफ 3 मेजर रीजन, हाइजीन सैनिटेशन एंड अनसेफ ड्रिंकिंग प्रैक्टिसेस, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, ओके, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। और इससे दो मेजर बीमारियां निकलती हैं, डायरिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से 5 साल से छोटे बच्चों की करीबन 3,95,000 डेथ हो चुकी है। इज दिस क्लियर, इज दिस रिपोर्ट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज एक्नॉलेज। आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे, मैं एक ही चीज आपसे मानता हूँ, स्टार्ट एक्नॉलेजिंग। प्लीज एक्नॉलेज, अभी तक जितना बताया गया आपको समझ आया कि नहीं? ओके, तो मूविंग ऑन। ओके, अगली है आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट की, उड़ीसा गवर्नमेंट की मो जंगल जामी योजना, ठीक है। अगली आपकी उड़ीसा सरकार की, उड़ीसा गवर्नमेंट की मो जंगल जामी योजना। सो उड़ीसा गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ग्राउंड ब्रेकिंग स्कीम नोन नेम्ड मो जंगल जामी योजना, एम्ड एट बॉलस्टरिंग फॉरेस्ट राइट्स अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स अक्रॉस द स्टेट्स। ओके, विद दिस इनिशिएटिव उड़ीसा इज सेट टू बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिकॉग्नाइज बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। हालांकि ये सारी बात आपकी FRA में भी करी गई थी, 2006 के रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में भी करी गई है, फोकसिंग ऑन एक्नॉलेजिंग द राइट्स ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, की जो जंगल के अंदर लोग रह रहे हैं उनके फॉरेस्ट राइट्स मिले। तो उड़ीसा गवर्नमेंट में मो जंगल जामी योजना भी यही बात करती है कि ट्राइबल कम्युनिटीज के फॉरेस्ट राइट्स होने चाहिए। और इस मुहिम के तहत, इस योजना के तहत रेकग्नाइज बोथ इंडिविजुअल, यानी कि सिंगल बंदे के क्या राइट्स होते हैं और उस पूरी ट्राइबल कम्युनिटी के क्या राइट्स है उनको रेकग्नाइज करेगी अंडर दी मो जंगल जामी योजना इन ओडिशा। ओके, और ये जो योजना है जो 2006 का रेकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है उसके कंजंक्शन में, उसके साथ जुड़कर ही योजना काम करेगी। योजना का नाम है मो जंगल जामी योजना, जहां पर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम बात करें या फिर हम बात करें कम्युनिटी लेवल पर, जो उनके फॉरेस्ट राइट्स हैं वो उनको मिले। फॉरेस्ट राइट्स या फिर यहाँ पर कम्युनिटी में ट्राइबल कम्युनिटी हो गई, फॉरेस्ट ड्वेलर्स अगेंस्ट उनके जंगल के जो राइट्स हैं वो उनको मिले। ओके, दैट फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट उसका नाम था, ये था कहां गया, इट वॉज ये ड्राई चाको रीजन, ठीक है, कौन था, हर्षित सेनी, ड्राई चाको रीजन का है। ओके, चलो अब अगली न्यूज पे चलते हैं हम। जॉइंट ओशन एक्सपेडिशन अबाउट सागर निधि, तो अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव अमंग नेशंस इन इंडियन ओशन रीजन, जिसको हम IOR रीजन भी बोलते हैं, नोन एज द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्लेव, हैज ब्रॉट टुगेदर साइंटिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश एंड मॉरिशियस फॉर अ जॉइंट ओशन एक्सपेडिशन। तो इस एक्सपेडिशन के अंदर बांग्लादेश और मॉरिशियस भी साथ में आए हैं, और एक रिसर्च वेसल है सागर निधि, इम्बार्किंग ऑन द रिसर्च वेसल सागर निधि। दीज साइंटिस्ट हैव एम्बार्क्ड ऑन अ वॉयज टू कंडक्ट रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन इन वास्ट ओशनिक एक्सपेंस। और इसमें हमारे साथ कौन है, बांग्लादेश और मॉरिशियस के साइंटिस्ट भी हैं, जिस रिसर्च वेसल के अंदर, जिस रिसर्च शिप के अंदर है जा रहे, वेसल समझ लो, उसका नाम है सागर निधि। क्या नाम है उसका, सागर निधि। दिस इज अ रिसर्च वेसल, ठीक है, ओशन के अंदर, ओशनिक एक्सपेंस के अंदर रिसर्च और एक्सप्लोर करना, ठीक है। क्रूज इज बीइंग कंडक्टेड बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर
ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो यहां से एक और फैक्चुअल क्वेश्चन निकल कर आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर क्या ये ऑर्गेनाइजेशन आती है कि नहीं, या फिर ये पूछा जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सॉरी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं इंकॉइस, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पहले ही पूछी जा चुकी है। अगर आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD डिपार्टमेंट की भी बात करो तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के पास ही है। ध्यान में रखना, जो वेदर बता देना कि हमारे यहाँ पर कितना वेदर होने वाला है, कैसा वेदर होने वाला है, IMD डिपार्टमेंट, दैट ऑल्सो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सर्विस, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये भी इंक्वायरीज भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में है। सो प्लीज रिमेम्बर। और ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये आपकी 2022 में जो नवंबर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, CSE ओशनोग्राफर्स एंड हाइड्रोग्राफर्स कॉन्फ्रेंस, जो गोवा और हैदराबाद में हुई थी, उसी के उसमें जब फैसले लिए गए थे, उसी के बाद आपका ये सागर निधि वेसल रिसर्च के लिए आगे बढ़ा है। सो दिस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ द मेडन, यानी कि जो सबसे पहली आपकी CSE ओशनोग्राफर और हाइड्रोग्राफर्स की गोवा और हैदराबाद में 2022 नवंबर में मीट हुई थी, उसके बाद उनके बाद जो उन्होंने फैसले लिए उसका आउटकम है सागर निधि के अंदर, ओशन के अंदर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन करना। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रिसिलियंस फ्रेमवर्क फॉर SEBI रेगुलेटेड एंटिटीज। अभी आप सबको पता ही है कितने सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो जितनी भी इंडिया में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जो डेटा सेंटर है, जैसे SEBI में डेटा है, अगर आप स्टॉक्स ले ले, शेयर्स ले ले, यहाँ पे डेटा की मूवमेंट हो रही है थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, तो ये हैकेबल हो जाता है, इसीलिए साइबर फ्रेमवर्क्स बताए जा रहे हैं ताकि हम अपने डेटा को सिक्योर रख सकें। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम SEBI भी बोलते हैं, हैज टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स इनहैंसिंग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स बाय रियलाइजिंग अ कंसल्टेशन पेपर टाइटल कंसोलिडेटेड साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रिजिलियंस फ्रेमवर्क CSCRF फॉर SEBI रेगुलेटेड एंटिटीज। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम वही होगा जिस तरीके से हम अपनी कंपनी के अंदर IT सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर पर्सनल को भी रखते हैं, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाए, और एक ऐसा डिपार्टमेंट भी होता है कि अगर हम पर कोई हैक करने की कोशिश करे हमारे सिस्टम सिक्योर रहे, उसी तरीके से दिस फ्रेमवर्क एम्स टू प्रोवाइड कॉमन स्ट्रक्चर फॉर मल्टीपल अप्रोचेस टू साइबर सिक्योरिटी इंश्योरिंग प्रिवेंशन ऑफ साइबर रिस्क एंड इंसिडेंट्स, कि फ्यूचर में अगर कोई भी SEBI से रिलेटेड साइबर रिस्क है उसको प्रिवेंट करा जा सके, इसीलिए बनाया गया है आपका कंसोलिडेटेड साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क बनाया गया है, कि इस फ्रेमवर्क के तहत बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया, प्लीज ये लिख लीजिए CSCRF का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, कंसोलिडेटेड साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क लिखकर आएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का है, ये इंडियन आर्मी का है, और ये SEBI का है। किसी को नहीं लगेगा ये SEBI का है, सबको लगेगा MHA का है या आर्म्ड फोर्सेस का है, सब उस पर टिक कर देंगे, बट ये असल में है SEBI का। सो प्लीज राइट इट, लिखो लिखो लिखो, सभी फुल फॉर्म भी लिख दो। ओके, अगला है व्हाट इज फायर ड्रोन। तो जैसा का नाम बताता है फायर ड्रोन, जो फायर इंसिडेंट्स होते हैं उसके अंदर ड्रोन्स को यूज करा जा सके वही होगा आपका फायर ड्रोन। बेसिकली फायर ड्रोन वुड बी यूज्ड फॉर फायर फाइटिंग, ठीक है। इंपीरियल कॉलेज लंदन एंड एम्पा हैव कोलैबोरेटेड टू डेवलप एन इनोवेटिव प्रोटोटाइप ड्रोन जिसका नाम रखा गया है फायर ड्रोन। ओके, द कटिंग एज टेक्नोलॉजी एम्स टू एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ करंट ड्रोन्स जो फायर फाइटिंग में यूज नहीं करे जा सकते, और ये ड्रोन बनाया जाएगा जहां पर आग वगैरह लग रही है वहां पर भी इसको यूज करा जा सके। ड्रोन यूज्ड इन फायर फाइटिंग एंड प्रोवाइड क्रूशियल फर्स्ट हैंड डेटा फ्रॉम डेंजर जोन्स इन बर्निंग बिल्डिंग्स और वुडलैंड, जहां पर कहीं पे आग की जहां पर लकड़ियां है वहां पर आग लग गई है, बिल्डिंग्स है वहां आग लग गई है, जहां पर ह्यूमंस का ज्यादा पॉसिबल नहीं है वहां पे ड्रोन्स को भेजा जा सके। अब ड्रोन्स की लिमिटेशन ये थी कि जो करंटली हमारे पास ड्रोन्स है जहां पर भी आग लग जाए वहां पर हम उनको नहीं भेज सकते हैं। तो ये जो फायर ड्रोन बनाया जा रहा है इसको फायर फाइटिंग प्रैक्टिसेस के बुलाया जा रहा है, ताकि बर्निंग बिल्डिंग्स या वुडलैंड के अंदर जहां आग लगी है वहां पर इसका यूज करा जा सके। और इसको बनाया कौन रहा है, इसको बना रहे इंपीरियल कॉलेज लंदन एंड एम्पा, दो ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलकर इसको बना रही है। अगला
हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिफेंस पर्सनल बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो सनी ने भी हमें एक अच्छा फैक्ट बताया है कि जिस तरीके से अभी हमने सेबी के सिस्टम की बात करी थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए माया ओएस है, माया ओएस का फुल फॉर्म है माया ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिफेंस पर्सनल बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। थैंक यू सनी फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज। ओके, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन स्टेट्स। स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसेंटली लॉन्च स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स टू एनहांस फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। और इसके अंदर बजट रखा गया है 5,000 करोड़। दिस स्कीम्स टू एड्रेस द क्रिटिकल नीड फॉर इम्प्रूव्ड फायर सर्विसेज। तो जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, नई बिल्डिंग्स बन रही है, नई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो जितनी चीजें बन रही है, तो ये भी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर कहीं पर कोई हादसा हो जाए या कोई अटैक करने की कोशिश करे, कहीं पर बिल्डिंग्स को आर्सन आग लगाने की कोशिश करे या किसी कारण आग वहां पे लग जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रही है कि फायर सर्विसेज है उनकी मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि जो करंट हमारी फायर सर्विसेज है वो काफी पुरानी हो गई है और उसको रीवैम्प करने की जरूरत है, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, और इसके लिए 5,000 करोड़ का सब्सटैंशियल बजट रखा गया है ताकि फायर सर्विसेज को बेटर करा जा सके विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे हमने पिछली न्यूज के अंदर यहां पर देखा था जिसके अंदर फायर ड्रोन की बात करी गई थी, ओके, जहां पर इंपीरियल कॉलेज लंदन और एम्पा बना रहे हैं कि ऐसा फायर ड्रोन जहां पर आग लग गई है वहां पर घुस सके। इसी तरीके से भारत के अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोल रही है कि 5,000 करोड़ के बजट के साथ एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज का स्टेट में, जिसके अंदर फायर सर्विसेज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन के साथ काम कर सके। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडिया लीड्स वर्ल्ड वाइड इन चाइल्डहुड डायबिटीज एंड फिटालिटीज, नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर अस टू हेयर, कि भारत डायबिटीज के अंदर दुनिया भर में चाइल्डहुड डायबिटीज, बच्चों के डायबिटीज के अंदर और फिटालिटीज यानी डेथ के अंदर लीड कर रहा है। तो कोई बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स नहीं है जिस पर हमको गर्व होना चाहिए, रादर हमको ये नंबर घटाना चाहिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आया? ओके, अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें मेरी पिछली पीडीएफ मिल गई थी, मतलब जो पिछली बार के करंट अफेयर कराए थे उनकी पीडीएफ तुमको मिल गई थी? नहीं मिली तो मैं डालूंगा, बताओ मिली थी कि नहीं मिली थी? मिल गई थी ना, चलो ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, इंडिया लीड्स वर्ल्ड वाइड वाली, तो रिसेंट स्टडी पब्लिश्ड इन बाय द जर्नल जामा नेटवर्क रिवील दैट इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्डहुड डायबिटीज केसेस एंड डेथ्स इन 2019, अंडरलाइनिंग द अर्जेंसी ऑफ एड्रेसिंग द ग्रोइंग हेल्थ कंसर्न। ओके, द रिसर्चर ऑल्सो हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग रिगार्डिंग डेलीज एंड ग्लोबल ट्रेंड्स इन चाइल्डहुड डायबिटीज। अब इसके अंदर ये लिखो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछेंगे। डैली क्या होता है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इसका फुल मतलब होता है विच रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ वन ईयर ऑफ फुल हेल्थ वर सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय चाइल्डहुड डायबिटीज। डैली का मतलब होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। मान लिया जाए आपकी जिंदगी, आप मतलब जो जीने की आपकी लाइफ है वो 60 ईयर्स है, बट आपका जो डैली है उसकी वजह से आपकी लाइफ 60 से घटके 55 हो गई है, और ये जो 5 साल है ये डैली है। इसका मतलब ये हुआ विच रिप्रेजेंट लॉस ऑफ वन ईयर ऑफ फुल हेल्थ, कि इस पूरे साल में आपकी फुल हेल्थ रही नहीं। तो अगर डैली आपकी 5 ईयर्स है तो 5 साल आपकी अच्छी हेल्थ ही नहीं रही, तो इसको हम फाइनली जो आपकी प्रॉपर आप जो लाइफ जीने वाले हो उसके साथ लाइफ ईयर्स के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी तरह है ही नहीं तो आप उस पूरे ईयर में ढंग से कुछ कर ही नहीं पाओगे, जी ही नहीं पाओगे। तो यहां पर इसको ध्यान में रखना, डैली क्या होता है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, और इसका मतलब है विच रिप्रेजेंट लॉस ऑफ वन ईयर ऑफ फुल हेल्थ, कि आपकी 1 साल की फुल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो अगर आपका 60 मान लीजिए आप 60 साल जीने वाले हो और मैंने बोला आपका 5 साल डैली था, तो आपकी इफेक्टिव एज जो आपने मजे से जी, आपने अच्छी तरह जी, वो सिर्फ 55 साल है, बाकी 5 साल तो ये आप हॉस्पिटल और बेकार हेल्थ के चक्कर काटते रहे। तो डैली सबको समझ में है? डैली का फुल फॉर्म क्या होता है? DALY, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। वो 60 में से 5 माइनस हो गए, ठीक है, 60 में से आपके ये 5 डैली माइनस हो गए, तो आप सिर्फ इफेक्टिव 55 साल जिए, 5 साल तो ये हॉस्पिटल इधर उधर खराब हेल्थ के चक्कर में बर्बाद हो गए। ओके, और जामा नेटवर्क की जो न्यूज आई है ये कहती है इंडिया में चाइल्डहुड डायबिटी केसेस एंड डेथ इन 2019 दुनिया में टॉप मार रहे हैं हम इसके अंदर। तो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज
फॉर इंडिया ओके। उसके बाद अगली इस वाली न्यूज के अंदर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट जामा नेटवर्क जिसने रिपोर्ट निकाली है और डेली का फुल फॉर्म क्या है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, भारत 6G अलायंस, अब इसको बोला जा रहा है B6GA, ठीक है, भारत 6G अलायंस, 6G मतलब ये भारत B6 यहां से हो गया, GA हो गया, तो भारत 6G अलायंस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि अब 6G वेव आने वाली है आपके पास, 5G की तो बात हो ही रही है, अब 6G में भी पहुंच गए। तो द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लॉन्च्ड भारत 6G अलायंस B6 6G टू इनोवेशन एंड लीडरशिप इन 6G टेक्नोलॉजी नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो 5G तो अभी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, बट 6G की बात करी जा रही है क्योंकि वो फ्यूचर है। B6GA क्या है, एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है कंप्राइजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। पब्लिक कंपनी क्या हो गई, जैसे BSNL हो गया, प्राइवेट कंपनी कौन सी हो गई, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, रिलायंस जियो हो गया, तो ये पब्लिक, जैसे पब्लिक आपकी MTNL भी है ओके, पब्लिक सरकारी, तो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज इसके अंदर है, अकेडमिया है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है एंड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो बताएंगे टेक्नोलॉजी क्या है, अकेडमिया यानी हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉलेजेस हो गए, जैसे IITs हो गई, IISc हो गया, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इस फील्ड के अंदर काम करती है, या फिर बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओके। तो अलायंस विल फोर्ज पार्टनरशिप एंड सिनर्जाइज विद अदर 6G ग्लोबल अलायंसेस टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज, कि दुनिया भर के अंदर 6G प्रैक्टिसेस क्या आने वाली है या क्या चलेंगी, और उसके हिसाब से भारत 6G अलायंस भी बनाया गया है। होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा भारत 6G क्या है, भारत 6G अलायंस, जिसके अंदर 6th जनरेशन की जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है उस पर बातचीत और काम होगा। अगला है, रिसेंटली मून के ऊपर ग्रेनाइट पाया गया है, ठीक है, तो साइंटिस्ट हैव मेड अ रिमार्केबल डिस्कवरी बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, मून के सरफेस के नीचे उनको अनकवरिंग अ मैसिव जंक ऑफ ग्रेनाइट दैट शेड लाइट्स ऑन अ यूनिक फॉर्म ऑफ लूनार वॉल्केनिज्म, की यानी कि यहाँ पर भी वॉल्केनिज्म हुआ है। द चंक ऑफ रॉक वॉज डिस्कवर्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जो ग्रेनाइट मून में मिला है उसके सर्फेस के नीचे, बीनीथ द सर्फेस मतलब जो उसका ऊपरी धरातल है, धरातल के नीचे ग्रेनाइट मिला है, तो यानी यहाँ पर वॉल्केनिज्म जरूर रहा होगा। और ये ग्रेनाइट जो मून पे मिला है ये किसके थ्रू मिला है, आपके ऑप्शन होंगे, आपको हवाई टेलीस्कोप लिख देंगे, 2-3 टेलीस्कोप, बट ये एक्चुअल में मिला है एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से, ठीक है, विच कैप्चर द एविडेंस ऑफ ग्रेनाइट बीनीथ द मून सर्फेस। दिस ब्रेक थ्रू हैज प्रोवाइडेड साइंटिस्ट विद इनवैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट मून्स जियोलॉजिकल कॉम्बिनेशन, जियोलॉजिकल की मून जो है किस किस पदार्थ से बना है, और अब हमको ये तो पता ही लग गया है कि वहां पर ग्रेनाइट है। आगे चल के चंद्रयान, जो चंद्रयान 3 हमारा मिशन है, उससे भी काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी जो मून की स्टडी में हमारी हेल्प करेगी। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय लंबनी आर्ट ओके। लंबनी आर्ट है आपका ये, जो बेसिकली कारपेट्स वगैरह बनाते हैं, जिसके अंदर कारपेट पे आपके ये देखो यहाँ पर होते हैं इस तरीके के कपड़े बनाते हैं, नॉट नेसेसरली कारपेट, इस तरीके की ड्रेस होती है, सॉरी ये, हाँ सॉरी, ये जो आपको ड्रेस दिख रही है ये वाली ड्रेस, नॉट कारपेट, कारपेट वाला तो एक डिफरेंट न्यूज है, आई गॉट कंफ्यूज्ड विद दैट। तो इंडिया G20 प्रेसिडेंसी रिसेंटली अचीव्ड रिमार्केबल फीट बाय सेटिंग अ न्यू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट इन्वॉल्व्ड द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबनी आइटम शोकेसिंग रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इन्होंने लंबनी आर्ट दिखाया जिसके अंदर इस तरीके की जो आपकी कलरफुल थ्रेड्स हैं, जो आपको रंग बिरंगी थ्रेड्स दिख रहे हैं, मिरर वर्क, शीशे दिख रहे हैं, इस पे शीशे लगाए होते हैं। आई थिंक आप में से काफी सारी लोग होंगे जिनकी मदर्स के पास शायद ये ड्रेस हो, और अगर नहीं होगी तो आपने किसी को पहने हुए जरूर देखा होगा। तो प्रीडोमिनेंटली ये कर्नाटक में बहुत प्रैक्टिस करा जाता है। तो लंबनी एम्ब्रॉयडरी इज अ लिविंग स्टेटमेंट टू दी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ओके। सो द रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट इन्वॉल्व द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबनी आइटम शोकेसिंग रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और एग्जीबिशन का टाइटल था थ्रेड्स ऑफ यूनिटी इनॉग्रेटेड इन द हिस्टोरिक सिटी ऑफ हम्पी। हम्पी कहाँ है, हम्पी इज इन कर्नाटका। हम्पी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी वहां पर हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगली न्यूज है क्रीमियन कॉन्गो हेमरिक फीवर, ठीक है,
क्रीमियन कॉन्गो हेमरिक फीवर। ओके, अब जिस तरह वो कीड़ा आपको दिख रहा है जो बेसिकली एक टिक बॉर्न वायरस है ये, तो क्रीमियन कॉन्गो हेमरिक फीवर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय टिक बॉर्न वायरस ऑफ बनिया वायरिडी फैमिली। थोड़ी ये मतलब थोड़ा साइंटिफिक नेम है तो मेरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकती है। सो बनिया वायरिडे फैमिली यानी कि ये जो आपका टिक है इसके थ्रू इट इज करंटली स्प्रेडिंग अक्रॉस कहां कहां पे, यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट। अफ्रीका में तो ज्यादातर हर चीज फैली जाती है बिकॉज ऑफ दी सिस्टम्स आउट देयर कि यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, बट यूरोप में भी फैल रहा है। और कैटल, शीप एंड गोट्स सर्व एज द प्राइमरी होस्ट ऑफ CCHF वायरस। तो ये होस्ट करके रखते हैं वायरस और इससे ये वायरस कैटल, शीप और गोट से आगे ट्रांसफर हो जाता है। CCHF वायरस कॉजेस सेवरल वायरल हेमरिक। हेमरिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है। ये जो वर्ड आपने पढ़ा क्रीमियन कॉन्गो हेमरिक, हेमरिक का मतलब आपकी इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है, कुछ चीज फट गई है, टूट गई है, किसी भी कारण अंदर ब्लीडिंग हो रही है। तो वायरल हेमरिक ऑफ द ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी फीवर आउटब्रेक विद अ केस फेटालिटी रेट ऑफ 10-40%। फेटालिटी रेट का मतलब है डेथ रेट, 10-40% डेथ रेट है अंडर CCHF क्रीमियन कॉन्गो हेमरिक फीवर। प्लीज इसको ध्यान में रखना, इससे अच्छा खासा MCQ आ सकता है। और इसके होस्ट क्या है, कैटल, शीप और गोट्स इसके होस्ट है। ह्यूमंस कैन कॉन्ट्रैक्ट दिस वायर थ्रू 2 मेड्स ऑफ ट्रांसमिशन, टिक बाइट हो जाए आपको या फिर ये जो इन्फेक्टेड एनिमल है यानी कौन सा इन्फेक्टेड एनिमल, कैटल, शीप और गोट्स, उसके खून से ट्रांसफर हो जाए। ओके, द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एक्सप्लेन व्हाई मेजॉरिटी ऑफ CCHF केसेस अकर इन इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री जहां पर गाय है, भैंस है, गोट्स है, जैसे अगर आप देखोगे कैटल, शीप, गोट्स, ये तीनों की तीनों लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के अंदर आती है। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज्यादा है और सिंस ये तीनों इसके होस्ट है इस वायरस के, इस वजह से जो भी इंडिविजुअल इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है उसको ये बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है, क्रीमियन कॉन्गो हेमरिक फीवर। और इसका फेटालिटी रेट है 10-40%, यानी डेथ रेट, यानी कि डेथ रेट मरने की आपकी संभावना 10-40% हो जाती है। तो वेरी वेरी डेंजरस। यहां तक की न्यूज सबको क्लियर है तो एक्नॉलेज इट। ओके ओके, बिल्कुल सही कहा किसने लिखा है यहाँ पर, हरिकृष्णन जय कुमार, वीरूपक्षा टेम्पल हम्पी एंड म्यूजिकल पिलर्स। बिल्कुल, थैंक यू हरिकृष्णा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, व्हाट इज PBWRS1? PBWRS1 क्या है, बेसिकली एक पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की एक नई वीट वेराइटी है जिसको बोला गया है PBWRS1। और इसकी खास बात यह है कि ये ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से Type 2 diabetes और कार्डियोवेस्कुलर यानी हार्ट रिलेटेड डिजीजेस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड अ न्यू वीट वैरायटी जिसका नाम रखा गया है PBWRS1। ओके, द वीट वैरायटी स्टैंड आउट फॉर इट्स एबिलिटी टू रिलीज ग्लूकोज मोर स्लोली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे छोड़ती है। बाय अवॉइडिंग एन इमीडिएट रैपिड रिलीज इन ग्लूकोज लेवल, PBWRS1 प्रोवाइड्स पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स पर्टिकुलरली फॉर इंडिविजुअल जिनको टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क है या उनको कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो सकता है, उनके लिए PBWRS1 बहुत अच्छी वीट वैरायटी है। तो दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ओके, अब इसके अंदर मेन टाइप ऑफ डायबिटीज, ये मैंने इसलिए स्लाइड डाली है कि आपसे पूछ ले कि Type 1 diabetes और Type 2 diabetes में क्या डिफरेंस है। तो Type 1 diabetes ब्लड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, जब आपका खून इंसुलिन प्रोड्यूस करना जितनी मात्रा में चाहिए नहीं करता है। Type 2 diabetes बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन बट कांट यूज इट वेल, कि आपकी बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है बट यूज नहीं कर पा रही है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग ग्लूकोज। उसके बाद जेस्टेशनल डायबिटीज अ टेम्पररी कंडीशन इन प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वेमेन को डायबिटीज हो जाती है। तो ये तीन मेजर हैं, Type 1 diabetes, Type 2 diabetes और जेस्टेशनल डायबिटीज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, अगली रिस्क ऑफ फोल्कोडाइन, ठीक है, अब ये फोल्कोडाइन क्या है, अपने बच्चों को देखा होगा हमें खांसी हो जाती है, हम कफ सिरप पिलाते रहते हैं उनको, तो ये फोल्कोडाइन वही कफ सिरप है जो फोटो में देख रहे हो आप, ये मस्त पीते हैं ना हम सिरप। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इशूइंग वार्निंग रिगार्डिंग द कॉशियस यूज ऑफ कफ एंड कोल्ड रेमेडीज कंटेनिंग फोल्कोडाइन।
तो ये जो कफ सिरप होते हैं इसमें फॉल्कोडाइन होता है जो काफी डेंजरस है बॉडी के लिए। तो प्राइमरी कंसर्न हाइलाइटेड बाय द WHO इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन इन इंडिविजुअल यूजिंग दीज मेडिकेशन। कि अगर आप कोई ऐसी दवाई यूज करो जिसमें फॉल्कोडाइन है तो आपको जिंदगी भर के लिए अलग अलग टाइप की एलर्जी होगी। एक वक्त की आपने खांसी ठीक कर ली और जिंदगी भर की बीमारी ले ली और वो बीमारी का कारण है फॉल्कोडाइन। दिस अलर्ट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोजली मॉनिटरिंग एंड एड्रेसिंग द एसोसिएटेड रिस्क। कि इस तरीके की दवाइयां पर हर समय रिसर्च होते रहनी चाहिए ताकि हमको पता रहे कौन सा केमिकल हमारे लिए आज या कल या फ्यूचर के अंदर हार्मफुल हो सकता है। यहाँ पर बात करी जा रही है फॉल्कोडाइन की, जो कफ एंड कोल्ड रेमेडीज के अंदर आता है, जिससे आपको लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग हो रहे हैं, सॉरी लाइफ थ्रेटनिंग जिंदगी भर के लिए, और सॉरी जिंदगी के अगेंस्ट, जिंदगी भर नहीं, वो तो लाइफ के, वो तो पूरी जिंदगी हो गई। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब समझ गए ना, उड़ भी सकते हो आप। ठीक है, तो लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन इंडिविजुअल यूजिंग दीज मेडिकेशन। क्या आपने फॉल्कोडाइन वाली मेडिसिन ली, सोचा खांसी ठीक हो गई, खांसी के चक्कर में लाइफ जिंदगी भर की है मुसीबत मोल ले लिया आपने अगेंस्ट। ओके, अगली न्यूज, गुलियन बैरे सिंड्रोम। अब गुलियन बैरे सिंड्रोम, होपफुली दिस इज द प्रोनाउंसिएशन, तो ये है पेरू। तो पेरू हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी पेरू कंट्री के अंदर, इज रिस्पॉन्सिबल टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन गुलियन बैरे सिंड्रोम केसेज। ओके, सो गुलियन बैरे सिंड्रोम, पेरू हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन रिस्पॉन्सिबल टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन गुलियन बैरे सिंड्रोम केस। GBS इज अ रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच द इम्यून सिस्टम mistakenly attacks peripheral nervous system, यानी कि आपका immune system आप ही के nervous system को attack करने लग जाता है। ऐसे immune system क्या है कि जैसे आपको कोई बीमारी हो रही है तो आपका immune system fight करता है, कोई वायरस का, कोई बैक्टीरिया का कोई अटैक हो रहा है तो उसको फाइट करता है, राइट, जैसे आप बीमार पड़ रहे होते हो। बट इस केस के अंदर आपका इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी का, आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर आपके क्या क्या चीजें आ जाती है, ब्रेन आ गई आपकी, ब्रेन आती है, स्पाइन आ जाती है और नर्व आती है। तो आपको दिमाग से रिलेटेड, पीठ से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड चिंताएं स्टार्ट हो जाएगी। सो अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर माइट अफेक्ट पर्सनल्स मेमोरी और क्वालिटी ऑफ देयर स्लीप। तो मेमोरी इश्यू हो सकती है, बैक इश्यू हो सकती है, स्लीप इश्यूज हो सकती है, ये सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी आपको इसके अगेंस्ट। और ये किसकी वजह से होती है, गुलियन बैरे सिंड्रोम। तो GBS इज अ रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब हर एक को नहीं होता है ये, इन विच द इम्यून सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, लीडिंग टू पोटेंशियल पैरालिसिस। पैरालिसिस में आपको पता है कि आप अपने शरीर को नहीं यूज कर पाओगे। दिस अलार्मिंग इंक्रीज इन केसेस नेसेसिएटेड इमीडिएट एक्शन टू सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ, कि पब्लिक हेल्थ को बचाया जा सके, और इसीलिए गुलियन बैरे सिंड्रोम के बारे में बात करी जा रही है। और ये कहां पर हो रहा है, पेरू, और पेरू कहां पर है आपका, अगेन साउथ अमेरिका। ओके, अगला है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स करंट अपडेट। ओके, तो ये है आपका, द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी DOSEL हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग एजुकेशन विद द रिलीज ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स PGID। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन को इंप्रूव करने की बात करी जा रही है थ्रू दिस इंडेक्स। ओके, तो दिस कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट किसने निकाली है, कंडक्टेड बाय, किसकी रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एम्स टू असेस एंड एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एम्स टू असेस एंड एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर स्कूल्स की परफॉर्मेंस को असेस करा जा सके और असेस करने के बाद इंप्रूव करा जा सके। ओके, एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी स्टेकिंग टुवर्ड्स टुवर्ड इंप्रूविंग द एजुकेशन विद द रिलीज, और ये डिपार्टमेंट किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टॉप पर, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, वो ये रिपोर्ट लेकर आया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल्स को असेस करा जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस को इनहांस करने की कोशिश करा जाएगा जितनी भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, AI फॉर इंडिया 2.0। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये लेकर आई है, किस कौन लेकर आया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज लॉन्च्ड एन इनोवेटिव AI ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला गया है यूथ के लिए, जो असेंशियल स्किल्स देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीचेस को सुना है तो वो AI की बहुत ज्यादा बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा बात करते हैं।
So Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has launched an innovative AI training program called AI for India 2.0. ये यूथ को टारगेट करेगा और यूथ को बेसिक एसेंशियल स्किल्स देगा रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक स्किल्स जो AI में आपको आने चाहिए. तो लॉन्च ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को करा गया था. तो आपको ये भी पता होना चाहिए वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, ठीक है, ये 15 जुलाई को है. मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एम्पावरिंग द यूथ एंड फॉस्टरिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. उससे रिलेटेड है आपका वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को, जो यूथ को एम्पावर करता है और बात करता है कि यूथ को नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए, जो एडवांसमेंट हो रही है उसके साथ जोड़ा जाए. तो AI 2.2 आया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इस प्रोग्राम का नाम है AI फॉर इंडिया 2.0 और ये यूथ को एसेंशियल स्किल्स देगा आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड. अगली न्यूज, फॉस्फीन इन वीनस एटमॉस्फेयर. तो वीनस के एटमॉस्फेयर में पाया गया है फॉस्फीन को, ठीक है. फॉस्फीन क्या है? फॉस्फीन इज अ गैस. फॉस्फीन एक तरीके की गैस है. फॉस्फीन को पाया गया, एक तरीके की गैस मिली है वहां पर. तो प्रीवियसली फॉस्फीन हैज बीन डिटेक्टेड इन द क्लाउड्स ऑफ वीनस, बट द न्यू स्टडी डेल्व डीपर यूजिंग द जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप, जो माउना किया ऑब्जर्वेटरी हवाई के अंदर है. ऑन अर्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजाइडिंग इन लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट जेनरेट्स फॉस्फीन. तो अब इससे ये बात करी जा रही है कि अगर अर्थ के अंदर लो लेवल, लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट जेनरेट करता है फॉस्फीन, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लो, कम ऑक्सीजन के अंदर जीते हैं वो फॉस्फीन निकालते हैं, तो इससे एक्सट्रापोलेट करा जा रहा है, माना जा रहा है कि शायद वीनस के ऊपर भी छोटे या फिर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इस लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट के अंदर शायद फॉस्फीन प्रोड्यूस कर रहे होंगे. तो देयर माइट बी लाइफ ऑन वीनस. तो इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू. और इस ब्रेक थ्रू को पकड़ने के लिए जिस चीज को यूज करा गया है वो है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप, जो माउना की ऑब्जर्वेटरी हवाई के अंदर है. इससे पहले भी फॉस्जीन की बात करी गई थी, बट इससे पहले आपकी जो फॉस्जीन गैस थी, सॉरी फॉस्फीन, आई बेग योर पार्डन, फॉस्फीन गैस थी, हैड बीन डिटेक्टेड इन द क्लाउड्स ऑफ वीनस, क्लाउड्स में पाई गई थी, बट इस बार वो एटमॉस्फेयर में मिली है वीनस के. ओके ओके. तो इट ड्रॉ अ फैसिनेटिंग पैरेलल सजेस्टिंग दैट द इमर्जेंस ऑफ फॉस्फीन इन द लोअर लेवल्स ऑफ वीनस एटमॉस्फेयर मे बी एट्रिब्यूटेड टू सिमिलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे अर्थ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉस्फीन प्रोड्यूस करते हैं, तो यहां पे भी कर रहे होंगे. Discovery has sparked intrigue and led to the notion that phosphine could serve as a potential biosignature in the other worlds. कि biosignature का मतलब है कि life जो दुनिया में Earth को छोड़ के और भी planets पे शायद exist करती होगी, and this is a big breakthrough for the entire world. यहाँ तक सबको समझ में आया? Okay. अगली न्यूज है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एंड यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी काम कर रही है UAS और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी पे, यानी कि अनमैंड एयरक्राफ्ट्स के ऊपर. ओके, सो DGCA प्लस ईसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन इन अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स UAS एंड इनोवेटिव एयर मोबिलिटी. तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एंड द यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी हैव एंटर्ड into a memorandum of understanding to foster cooperation in the field of unmanned aircraft system and innovative air mobility. Very important news hai bhaiya ye. Do important agency DGCA aur ESA. DGCA aur ESA milke kaam kiske upar kar rahe hai? unmanned aircraft systems aur innovative air mobility pe. The collaboration aims to strengthen civil aviation authorities efforts in promoting safe and efficient operations of unmanned aircraft and fostering innovation in the air mobility sector. Yani basically unmanned aircraft system pe kaam kara jayega. Air mobility sector hai, basically mobility ka matlab hai move hona, aur kis mein air mein move hone ki baat kari hai. DGCA aur ESA usi pe hi kaam karenge. To innovative air mobility ke upar air mein movement ke liye kya kya vehicles use kare ja sakte hai, और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के ऊपर दोनों का अच्छा खासा एमओ हुआ है, जिसके अंदर वो सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस की बात करेंगे जब भी इन दोनों चीजों को यूज करा जाए. अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, न्यू स्कीम टू सपोर्ट माइनर विक्टिम्स ऑफ रेप. तो ये स्कीम आपकी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है, हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम एड एट ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू माइनर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट. माइनर विक्टिम्स मतलब जिनकी एज कम है आपकी. ओके, सो द स्कीम ऑपरेट्स अंडर द निर्भया फंड एंड हैज बीन एलोकेटेड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ 74.1 करोड़. तो निर्भया स्कीम के अंडर ही रहेगी,
74.1 crore का फंड दिया गया है इन एन एफर्ट टू एक्सपेडाइट जस्टिस फॉर माइनर विक्टिम्स ऑफ रेप. द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड 415 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट. तो पॉक्सो एक्ट के अंदर इसको रखा गया है, ठीक है. मतलब नॉट द स्कीम, पॉक्सो एक्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पर 415 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेकर आए गए हैं और जो जस्टिस फॉर माइनर विक्टिम्स है, जो माइनर विक्टिम्स है रेप को, उसके अंदर जिस एक्ट को यूज करा जाएगा वो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट. दीज कोर्ट्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू एड्रेस केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स एंड फैसिलिटीज स्विफ्ट लीगल प्रोसीजर. अदरवाइज नॉर्मल रेप केसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इन केसेस को जो आपके माइनर रेप केसेस है, ये पॉक्सो एक्ट और कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी केसेस को सॉल्व कर सके. ओके अगला है हमारा सेकंड थॉमस शॉल. तो ये अगेन अगेन बेसिकली आपके फिलीपींस और चाइना के बीच के अंदर फिर से हो गया. ये बेसिकली वही है, अगर हम ये देखेंगे वही साउथ चाइना सी क्राइसिस, जिसके अंदर चाइना अलग अलग आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाता है और थोड़े दिनों में बोल देता है भैया ये आइलैंड भी मेरा, ये आइलैंड भी मेरा, ये आइलैंड भी मेरा. तो सिमिलरली सेकंड थॉमस शोल है लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्पार्टली आइलैंड्स. तो अगर आप ये देखोगे जो रेड कलर का एरिया यहाँ पर हम देखें, फर्स्ट थॉमस शोल मार्च 13, सेकंड थॉमस शोल मार्च 9 से 20-30, मिस्चीफ रीफ, हाफ मून शोल. तो अभी सेकंड थॉमस शोल जो है इसके ऊपर भी चाइना की वही है, दिस इज माइन नॉट योर्स, हैज इमर्ज एज अ कंटेंशियस एरिया इन द साउथ चाइना सी. और यहाँ पर चाइना अपनी फोर्सेस को यूज करता है दूसरे को डराने की और धमकाने की. ओके तो रीसेंट इंसिडेंट नियर सेकंड थॉमस शोल एस्केलेटेड टेंशन बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस. द फिलीपीन कोस्ट गार्ड एक्यूज चाइनीज कोस्ट गार्ड ऑफ हैरेसमेंट एंड डेंजरस मनूवर्स. तो चाइना की कोस्ट गार्ड क्या करती है, उस एरिया में अपनी बोट्स को ले आएगी, अपने वेपन्स को ले आएगी, डराने धमकाने की कोशिश करेगी. अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखो कोई लैंड माफिया कंट्री है, इंटरनेशनल लैंड माफिया कंट्री, तो एक्चुअल में चाइना ही है. ओके चाइना ऑन द अदर हैंड क्लेम्स द फिलीपीन कोस्ट गार्ड intruded into its water without permission. As usual, the ongoing diplomatic standoff underscores the complex nature of territorial disputes in the South China Sea. अब South China Sea के अंदर artificial islands बना दिए हैं चाइना ने और फिर बोलता है ये island मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है. उसने अपनी textbooks को change कर दिया है. आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर जब वो फिलीपींस के साथ गए, वहां केस हार गए, तो वहां पर फर्जी किताबें बना के लेकर आ गए थे. केस का जो फाइनल फैसला था चाइना के फेवर में नहीं आया, तब भी चाइना ने बात नहीं मानी. तो वो ये अपनी मनमर्जी से गुंडागर्दी करता है वो. तो सेकंड थॉमस शोल के अंदर अभी रिसेंटली ये घटना घटी है. ओके ओके तो लास्ट आज की जो हम इम्पोर्टेंट न्यूज देखेंगे, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023. सो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD recently released World Investment Report 2023, providing valuable insights into foreign direct investment trade in developing countries. और 2022 की अगर आप FDI देखो, उसके अंदर इंडिया के अंदर, बेसिकली इंडिया के अंदर और एशियन रीजन के अंदर बोयंट रीजन रहे हैं जहां पर काफी सारी इन्वेस्टमेंट आई है. सो इन 2022 FDI इन डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया रीच्ड a total of $662 billion, representing no change compared to the previous year. यानी कि previous year के अंदर भी इतना ही पैसा एशिया के अंदर आया था, एशिया और 662 billion dollar का, which is a decent amount. Despite maintaining a flat growth rate, these countries remain significant recipients of FDI, with India and Asia, Asian highlighted as the most buoyant region. तो भारत और एशियन रीजन या आशियान के रीजन को अगर आप देखोगे, इसके अंदर ही मेजर पैसा गया है FDI का. और ये रिपोर्ट जो है आपकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट 2023 रिपोर्ट कौन निकालता है, निकालता है UNCTAD. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है. UNCTAD का मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की आती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट 2023 रिपोर्ट, विच फोकस करती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो बाहर से फॉरेन पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहां जा रही है. तो पिछली रिपोर्ट के हिसाब से पिछले दो साल में बराबर ही रही है. अगर हम एशिया का देखें, 2022 में $662 billion, बट फ्लैट होने के बावजूद इंडिया और एशियन रीजन के अंदर काफी ज्यादा अच्छा पैसा गया है. सो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद. नाउ द नेक्स्ट फैकल्टी विल कम एंड टेक द लेक्चर. होपफुली यू एंजॉयड इट. यस यस अर्षद, इंटरनेशनल लैंड माफिया. हाँ वही, बिल्कुल वही. देयर इज ऑल्सो लो मरीन लाइफ इन चाइना सी दैट कुड मेक चाइना मूव फर्दर. अरे हर्षित, दे कंटिन्यू, दे विल किल ऑल द मरीन लाइफ. ओनली थिंग विच विल ग्रो इन साउथ चाइना सी इज चाइनीज लाइफ. ठीक है, ओनली चाइनीज लाइफ. सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद.